वेलकम बैक एवरीवन। आज हम फिर से रेंचिंग सिमुलेटर खेल रहे हैं। तो तुम लोगों को याद होगा हम लोगों ने कल इतना प्यारा खतरनाक सा बांध बना दिया था। आज मेरा प्लान है गाइस, आज हम लोग अपनी गोट्स को ट्रांसफर करेंगे। और मैंने सोचा हम लोगों की जो गायें हैं ना, ये बहुत सारी हो रही हैं और ये पिग्स रास्ते में ही आते हैं और कुछ नहीं करते, तो हम यहाँ पे पिग्स भी डाल देंगे क्योंकि उनके लिए बहुत स्पेस होता है ना। ये देखो यहाँ पे सारे जानवर घूमेंगे, हमारे पूरी रेसिंग की जगह लग रही है, तो बहुत बड़ी है ये। आज मैं हम लोग फेंस बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अपने डेली काम भी तो करने होंगे क्योंकि रोज़ का प्रॉफिट भी तो आना पड़ेगा हम लोगों का, तभी चल पाएगी हमारी रेंच सक्सेसफुली। पहले तो हम लोग अपने एग्स निकाल लेते हैं, फिर बाद में आके हम लोग मिल्क ले लेंगे अपना। ये हवा के अंदर गोबर कर रहे हैं, कैसे किया है ये, स्किल सीख लूँगा मैं, ये हेल्पफुल हो सकता है ये। अरे मुझे याद आया, हम लोगों की पिकअप ट्रक के अंदर थी हम लोगों की बास्केट। अरे हाँ ये रहे ना, इसके अंदर हम लोग अपने सारे अंडे उठा लेंगे यार। हम लोग का प्रोडक्शन बहुत ही खतरनाक हो रहा है आज, तो चलो देखते हम लोग के कितने एग्स निकाल के आए आज। और भाई मजे आ रहे हैं यहाँ पे, अच्छे खासे जीने। यहाँ पे मुर्गा भी है, लेकिन कुछ अंडे तो नहीं दिए, बस पॉटी की। देखो ये करता है मुर्गा मेरे साथ हरकत, अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। और देखते हैं हम लोग और कहाँ पे अंडे, आज अंडे, अरे हाँ दे दिए ना, मुझे लग रहा था आज नहीं दिया यार, बुरा दिन होता, हम लोग को आज उतने पैसे नहीं मिले। लेकिन नहीं यार, ये अच्छे खासे अंडे दे रही हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हो गया हम लोगों का मुर्गियों का, इनसे असली पैसे मिले हम लोगों को रियली। मतलब एक तो होता है पिक्स का ऐसा होता है कि एक ही टाइम के ऊपर मिलता है, मतलब मंथली अबाउट होता है ना गेम के अंदर, इनका ऐसा होता है हर दिन मिलता है। और ओवरऑल इन लोगों से सबसे कमाया मैंने आई थिंक, बहुत ही प्यारी चीज़ें यार ये। हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस वाले इसके अंदर है क्या, इसका ऑफिशियल वे से ट्राई करके देखते हैं इसके अंदर से निकलेंगे क्या। अरे हाँ दो निकल गए यार, नाइस। यहाँ पे सारे कलर की मुर्गियाँ रह रही हैं, दिख रहा है यहाँ पे ब्राउन वाली चढ़ गई और नीचे गिर गई, वो मुझे लग रहा था क्या हुआ उसके साथ। ओके यहाँ पे एक अंडा पड़ा हुआ है, अरे हाँ मैंने यहाँ पे बहुत सारी मुर्गियों को शिफ्ट कर दिया ना, यहाँ पे होंगे। हाँ ये पॉटी भी कितनी की है इन लोगों ने यार, बहुत टाइम लगता है इन सब का काम करने में। आप तो पहले बस एक मिनट में हो जाता था सब कुछ। हम लोग जल्दी से इन लोगों के एग्स उठा लेते हैं। ये रहा, ये ऊपर बहुत की, ऊपर वाले कंपार्टमेंट अच्छी रहती है, यहाँ पे पॉटी नहीं करते ये, इन लोगों को अच्छी हैबिट है ना, दिया करवा दिया हम लोगों ने। और वो फुली नीचे ना दे रहे हो यार अंडे, नीचे दे देंगे तो हरकत नहीं हो जाएगी, मैं नीचे ही नहीं जा सकता। देखो ये हाँ, लेकिन नीचे दे तो नहीं रहे ऐसा दिख रहा है। हम लोग बाद में आके उनकी पॉटी को साफ कर देंगे। ये इस वाले को भी बंद रहने देता हूँ मैं, क्या क्या हरकत है, वो उसी के अंदर घुस जाते हैं बस और कहीं नहीं निकलते। ओ यहाँ पे तीन अंडे हैं यहाँ पे, मतलब पहले मुर्गियाँ आई थी, फिर उन्हें शायद अच्छा नहीं लगा ये वाला घर। अच्छा तो पेंट किया, तुम लोग कितनी रेटिंग दोगे इसे, बहुत ही सही है यार ये तो। इसकी लाइट खोल लेता हूँ, अब आओगे क्या तुम लोग अंदर? नहीं। अरे जाओ ना। हाँ तो हम लोग को अब सारे के सारे अंडे उठाने पड़ेंगे जल्दी से। ये देते हैं कि इन लोगों ने गमले के यहाँ पे क्यों दिए, ये क्या हरकत है, अजीब सी चीज़ें करते हैं ये, शायद ही बच्चों को बचाने के लिए कर रहे हैं। उसे पत्तियाँ वत्तियाँ भी मिल जाए, मतलब बाहर नहीं आना पड़े ना खाना खाने के लिए, और मुझे ना दिख जाए वो, ताकि उसे उन लोगों को लग रहा है मैं अंडा वंडा चुरा लूँगा ना इन लोगों का। इस गेम के अंदर अंडे कितने दिनों में हैच होते हैं, अगर तुम लोगों को पता है बताना यार कमेंट में। और अगर हम लोगों का एक प्रोडक्शन कितना अच्छा हो रहा है ना गाइस, अगर तुम लोगों को वैसे वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलना। हम लोगों की बास्केट यार गाइस पूरी हो चुकी है, इसको यहाँ पे मैं रख देता हूँ, या फिर यू नो व्हाट इसको लेके चले जाते हैं अपने साथ वाले पिकअप ट्रक में ना, एक को रिप्लेस कर लेंगे हम लोग, बस आराम से चले जाते हैं हम लोग। ओके वो रहा हम लोगों का पिकअप ट्रक, इसके अंदर ये अभी तक अटैच रही है, नाइस यार ये हेल्प कर देगा हम लोगों को। इसको जल्दी से हम लोग रख देते हैं यहाँ पे, ये और रोटेट करके रखते हैं, स्पेस मैनेजमेंट अब अच्छा हो रहा है यार मेरा, अच्छी बात है ये बहुत। चलो हम लोग वापस अपने चिकन्स के पास जाते हैं। ये वाला फेंस अच्छा लगा दिया मैंने, ये यहाँ पे ना ये वाली साइड से एंटर करने में मुश्किलें हो जाती हैं यार इतनी, मैं तो सोच के ये है ना डर रहा हूँ। अरे यहाँ पे और, अरे हाँ ये हवा के अंदर है ये वाला, मुझे नहीं लगता यार ये वाला ऐसे बच्चा निकलेगा, बहुत दिन हो गए, इसको ले लेते हैं हम लोग। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी और से बच्चा हो जाए। अरे फूड ट्रक के ऊपर दिया उसने, मतलब बच्चा निकलते ही इसके अंदर डूब जाएगा ये, बताओ कैसे है ये। और यहाँ पे पॉटी भी कर दी उसने, नाइस। अरे बाप रे कितने अंडे हैं यहाँ पे, ये तो यार ये वाले के अंदर आ गया, मुझे खुशी मिल रही है। पहले हम लोगों के इतने पूरे दिन के होते थे, एक दो दिन में भी ये मुश्किल से इतने आते थे आई थिंक तब तो, अब यार ये रोज़ के चलिए। और ये मेरे सारे के सारे मुर्गे भी नहीं है यहाँ पे, मतलब 10% भी मुर्गे नहीं होंगे मेरे यार, बहुत सी हो गया हम लोग का प्रोडक्शन। अब अच्छा मज़ा आ रहा है गेम के अंदर, एग्स चिकन्स का ऐसे ही सपोज टू बी है गेम, हम लोग अब प्रॉपर वे में कर रहे हैं। और उसको मैं बंद कर दूँ, ये खुला हुआ क्यों है ये, होपफुली चिकन एस्केप ना कर लें, उससे एस्केप कर लेते हैं। पता नहीं कैसे इन लोगों ने, पता नहीं कौन से शातिर से प्लान लगा कर रखे हैं,
ओके आई थिंक मैंने अपने सारे अंडे तो कलेक्ट कर लिए, मैंने पूरा राउंड मार लिया एक्चुअली ये जगह का। हम लोगों ने अंडे, हम लोगों के अंडे हो गए, अब हम लोगों को मिल्क लेना है यार, वहाँ पे पिक्स कितने हो रहे हैं। मुझे है ना कल परसों मुझे हार्वेस्ट भी करना पड़ेगा इन पिक्स को, ये बहुत ज़्यादा हरकतें दे रहे हैं, वो कितने सारे हो चुके हैं हम लोगों के। चलो हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, और ये तो एक बास्केट की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब हम लोग को अपना मिल्क हार्वेस्ट करना है। जल्दी से वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं कितना भर पाते हैं। सारी गायों को अब वहाँ की आदत लग गई, वो वाला एरिया अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, हम लोगों ने उनको भी आदत डलवा दी ना, मतलब अच्छे एरिया के अंदर जाने की। यहाँ पे लेकिन पॉटी कितनी करके गई है, मतलब पिक्स का एरिया पूरा गंदा करके गई है, मैंने आज तक नहीं देखा है वहाँ पे गंदगी है, मतलब देख रही हो ये भी हरकतें दे रही है इन पिक्स को, शायद ये चाहती नहीं। यहाँ पे अब स्पेस मैनेजमेंट में की प्रॉब्लम होती है ना, और ये पिक्स इनके रास्ते में आ जाते हैं। हम लोग पिक्स को वो वाले बांध में मूव कर देंगे, बड़े वाले में ना, ताकि भी आराम से घूम पाए। देख रहे हो कितना बड़ा है ये, बाप रे, फूट ट्रो के जितना, फूट ट्रो से ज़्यादा बड़ा है, दो तीन फूट ट्रो घुस जाएंगे उसके अंदर, कितना खाते हैं। और ये और मेरी ग्रेनरीज भी यार इन लोगों ने खाली कर डाली होंगी ऑलमोस्ट। जल्दी से हम लोग यहीं से चेक कर लेंगे एक सेकंड। अरे भाई रास्ते से हट जाओ, देखो मेरे रास्ते में आ रहा है वो, अब मेरे रास्ते में आएगा गायों की क्या हालत हो रही होगी यार। चलो हम लोग देखते हैं इनकी ग्रेनरी कितनी है, 172, मुझे लग रहा था और खाया होगा। चलो फिलहाल ट्रोस फिलहाल है ना बोल्स कर रहे थे हम लोग, और देखते हैं हम लोग की गाय कहाँ है। वहाँ पे आई थिंक मैंने अपनी मिल्क मशीन यहीं पर रख दी थी, यहीं के ये क्या मिल्क मशीन वो रही। वहाँ पे एक गाय भी पास में घूम रही है, टेस्ट करके देखते हैं इनमें से किसी के पास है क्या। यार यहाँ से सारी गाय तो भाग रही है, जल्दी जल्दी मुझे लेना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे कोई पास में है क्या हम लोग जिसको ले सकते हैं, तुम्हारे पास है क्या? अरे हार्ट बन के आ रहे हैं, नहीं ये तो गाय नहीं है, वो भैंसा है वो। हाँ भाई इधर आओ, जल्दी से आओ एकदम, मैं आ गया, मैंने पकड़ लिया एक, अच्छी बात है हम लोगों ने ले लिया ये भी बैठे बैठे। चलो भाई हम लोगों ने इसका शुरू कर दिए, इसका बच्चा होने वाला है, जैसे कि मैं बोल रहा था ना तुम लोगों को, कितनी गायें हो रही है। और ये सारी हमारी यहाँ पे आ गई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके यहाँ पे पेड़ के नीचे घूम रहे हैं, वो पेड़ काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे घूमने में वैसे काफ़ी मज़ा आएगा। मुझे याद है मेरा बहुत पहले एक प्लेग्राउंड था, उसके अंदर एक ऐसे ही पेड़ था, मैं छाया में बैठा रहता था, मज़े थे बहुत। पेड़ों की छाया बहुत अच्छी होती है, ये बात तो है, किसी और की उतनी अच्छी नहीं लगती, इसकी बहुत अच्छी होती है। और किसी और गाय को ढूंढ लेते हैं। हाँ भाई तो इसका तो निकाल लिया आई थिंक हम लोगों ने, इसको लेके आते हैं, वो दूर घूम रहे हैं। और भाई पप्पू मज़े ले रहे हो, चलो हम लोग जल्दी से इसको लेते हैं। हाँ भाई आ जाओ इधर इधर, वहाँ पे वो देखो बाहर बाहर ना जाने की वो फ्राक में है, वो उधर देख रही थी अभी अभी, इधर मुँह कर लिया जब मैंने बताया। चलो जल्दी से आते हैं। और ये देखो पिग्स ने यहाँ पे पॉटी कर दी है, ये अलग ही जंग चल रही है यहाँ पे, ये गाय वहाँ पे जाके पॉटी कर रही है और पिग्स यहाँ पे आके, अलग ही जंग चल रही है। मुझे लग रहा है कि गाय जीत रही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी, यहाँ पे तो दिख भी नहीं रही है, लेकिन ये भी हो सकता है ये एरिया बहुत बड़ा है। तो हम लोगों का आई थिंक ये वाला भी मिल्क कैन गाइस हो गया, और अभी रात होने वाली है जल्दी से। मेरा अगर जल्दी से मुझे अभी जल्दी काम करना पड़ेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे सेल करके आ जाएंगे इस दिन में, और फिर सो जाएंगे। सुबह ही सुबह हम लोग अपना काम शुरू करेंगे ब्लू प्रिंट्स का ना, और इस सब का। और अब मुझे अटका के रख दिया यार इन लोगों ने, मुझे बाहर निकलने दो यार बस। देखो इसने अभी है ना बहुत सारे उधर किया था अपना, सबको पता नहीं क्यों है इतनी ज़्यादा, बस निकल रहे हैं किसी भी तरीके से। चलो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, अपनी एक मिल्क कैन होगी, मैं सोच रहा हूँ दो हो जाए एटलीस्ट तो सही है आज का। हम लोग का सारा सामान हो गया, हम लोग दूसरी वाली लेके जाते हैं मिल्क कैन यार, वहाँ से अब चली गई हैं गाय। चलो हम लोगों की मिल्क कैन खुला के देखते हैं। अरे नाइस यार यहाँ पे काफ़ी गाय आ गई हैं ऑटोमेटिकली, आई थिंक उन लोगों को अच्छा लग रहा है, उन लोगों को भी मिल्क करवाना है। अभी तुम्हारा आ रहा है क्या दूध? नहीं इसका नहीं आ रहा है, इसका मिल्क हो चुका है क्या? हाँ इसका नहीं हुआ, इसका ले लेते हैं ना, अच्छी बात है। इसका आई थिंक कर लिया, इसको लेके आया था मैं। तुम्हारा हो गया क्या अभी तक आवाज़? सॉरी हाँ हो गया। चलो भाई जाओ मज़े लो, खाना पानी पी लो। उसका खाना पानी अभी पी के आ रही है। चलो और किसी को ढूंढते हैं, एक को लेके आते हैं हम एक्चुअली, इसको यहाँ पे रखता हूँ और ढूंढते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है कौन सी गाय है? ये काफ़ी मुझे वो लग रही है जिसका दूध नहीं निकाला गया, ये वाली। हाँ भाई इधर आओ हमारे साथ काम। और बाप रे भाग रही है वो। चलो इधर आओ। हाँ देखो अच्छी गाय ना, कैसे करके आ रही है हम लोगों के पास। हम लोग इसका दूध निकाल लेंगे और ये दो मिल्क कैंस और एक बास्केट्स को बेच के आ जाएंगे अपन लोग। ओके ये रहा हम लोगों का सक्शन कप, और यहाँ पे लगाए थे। हैं तुम्हारा तो यार ऑलरेडी निकला हुआ है, ये कैसी गाय है यार? चलो जाओ मजे लो। हाँ तो यार ऑलरेडी निकाल लिया मैंने उसका, और इसका भी निकाल लिया। अभी यार गाय मुझे लग रहा है यहाँ पे अब ज़्यादा गाय बची नहीं है। हम लोग क्या करते हैं अपनी मिल्क मशीन को उधर लेके चले आते हैं जल्दी से, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाय घूम रही है। हाँ ये देखो यार यहाँ से हम लोग निकल लेते हैं अपनी साइड बार्न डोर से। चलो भाई दरवाज़ा फिर से लॉक कर देते हैं हम लोग। हाँ यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, इस साइड के ऊपर ज़्यादा गाय नहीं है ना यार यहाँ पे। लेकिन यार गाइस पिक्स कितने हैं, मैं ऐसे निकलूँगा कैसे यार? हाँ साइड बार्न डोर, यही तो होता है इनका फ़ायदा। अच्छा हुआ मैंने इस फेंस को इसके पेरीमीटर में लगा लिया। अब हम लोग यहाँ से हम लोग निकल के
मजे से वो ले सकते हैं। अरे वही वाली साइड बन डोर का यूज़ कर लूँ ना मैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, ये तो नेसेसिटी है, इसके बिना कैसे खेलता मैं गेम। हम लोग आराम से अब आ चुके हैं भाई, तुम्हें इधर ही अड़ना था है। चलो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, अब देखना है हम लोगों को, हम मेरी मिल्क मशीन वो रही। हम लोग अब ये दो मिल्क कैन कंप्लीट करके अपन लोग निकल लेंगे अपने पिकअप ट्रक को लेके। अभी हम लोगों को अपने कंस्ट्रक्शन ट्रक को लेना ले जाने की ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी मटेरियल्स बचे हैं पिछली बार से। हम लोग 50 ले थे ना, ज़्यादा नहीं लगे तो उसके अंदर, मतलब जो हम लोगों ने बनाया था ना इन लोगों का पूरा बांध दूसरी राइड के अंदर, मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे क्योंकि पहले से। तो हम लोग इसको लेते हैं, यहाँ पे डालते हैं और लेट्स सी, तुम्हारे पास है क्या मिल्क? हाँ भाई, हाँ परफेक्ट। मैं बोल रहा था ना यहाँ पे रात के अंदर आ जाती है, मुझे इनका टाइम टेबल समझ में आ गया है कि कब कहाँ पे जाती है। रात के अंदर यहाँ पे आती है और दिन के अंदर वहाँ पे वो घास चढ़ती है आई थिंक। ओके गाइस यार, वो दोपहर इसकी शाम की सनलाइट आ रही है गेम की। अब जल्दी से यार रात होगी गाइस, हम लोग को जल्दी से निकलना होगा। ये दो मिल्क कैन हम लोग की हो चुकी है, इनको छोड़ देते हैं हम लोग। एक्चुअली मेरे पास एक आईडिया है, ये दो मिल्क कैन नहीं है ना, मेरे पास चार है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी तीसरी एक मिल्क कैन है ना, उससे गोट्स का मिल्क निकाल लेते हैं। काफ़ी टाइम से गोट्स का सेल नहीं किया ना, अच्छा लगेगा। उन लोगों का भी तो कुछ प्रोडक्शन होना चाहिए ना, वो बस खाते रहते हैं, वो और कुछ अभी तक किया नहीं है उन लोगों ने। और भी मज़े ले रहे हो वहाँ पे, वो देखो देख रहे हैं वो मैं। वो यार गुड्डू मर गया था वो बस सैडली, अब वरना बाकी सब तो मज़े से जी रहे हैं यहाँ पे जैसा दिख रहा है। ओके हम लोग अपने वो लेके आते हैं मिल्क कैन, ये रही नहीं, ये वाली है खाली, नाइस। और यहाँ पे अभी एक दूसरे से बातें भी करते होंगे, देखो तुम लोग यहाँ पे, ये गाय आ गई है, इससे बातें करनी होंगी। ये सारे फ्रेंड बन गए होंगे आई थिंक, पूरा ग्रुप सा बना के रखा है यहाँ पे मैंने। इस वाली का दूध है क्या? नहीं। और तुम्हारा ये तो गुड्डा ही, ये तो गुड्डा है वो, और ये वाली तो बच्ची है। हम लोग की ज़्यादा फीमेल वो नहीं है यार, हाँ ये वाली है गुड़िया, हाँ गुड़िया है हम लोग की, मेन तो फीमेल ना, पहली बार इसी का दूध निकाला था और पहली बार भी इसी को लाए थे हम लोग। चलो भाई गुड़िया जल्दी से आओ इधर, हम लोगों को दूध लेना है। ओके यहाँ पे मैं ले आया हूँ, और हम लोग अपने सक्शन कप को लगाए थे। इनकी साइजेस भी तो मैटर करती है ना, ये गाय के ऊपर भी वर्क कर जाता है और इसके ऊपर भी। चलो कोई नहीं, हम लोगों का तो अच्छा काम हो रहा है ना, इनका जल्दी से निकल जाता है ना। लेकिन बात ये है बकरियों का, और सेम प्राइस में सेल होता है। रियल के अंदर आई थिंक गाइस डिफरेंट प्राइसेस होती है ना काऊ के और इसके मिल्क की। तुम लोगों को पता है क्या इसके बारे में? कमेंट करके बताना। चलो हम लोगों ने सारी मिल्क कैंस तो लिए, अब हम लोग अपने पिकअप ट्रक के अंदर सब कुछ लोड कर देते हैं, जल्दी से चलते हैं यार हम लोग। ओके हम लोग अपने पिकअप ट्रक के पास आ चुके हैं गाइस, यार धूप काफ़ी हो रही है यहाँ पे, और माउंटेन्स के ऊपर व्यू बहुत अच्छा मिलता है इस सनलाइट के अंदर ना। चलो हम जल्दी से इसको खोलते हैं और यहाँ पे हम लोग अपनी मिल्क कैंस को भर देते हैं। अरे एक्चुअली यहाँ पे हल्का सा स्पेस है, यहाँ पे एक डाल देते हैं। अब हम लोग और लेके आते हैं अपनी मिल्क कैंस, और फिर हम लोग को अपना सेल करके आना है। पहले हम लोग का प्रॉफिट देगा, बहुत हैप्पीनेस मिलती है ये चीज़ करके, मतलब ऐसा फीलिंग आती है ना। तुम लोग को क्या लगता है, एकदम नया दिन शुरू हुआ है, आज कुछ हैप्पी हुआ? तो चलो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अरे इन लोगों का मैंने ग्रैनरी नहीं देखा, हाँ ये लोग खा रहे हैं काफ़ी यार, जल्दी से मुझे भरना होगा इन लोगों का भी सामान। ये लो इनके है ना फिल ऑल बोल्स, सब कुछ कर दिया है मैंने। अब हम लोग जल्दी से यहाँ पे भर देते हैं ये मिल्क कैन को। ओके गाइस तो मैंने सब कुछ पैक तो कर लिया, लेकिन तुम लोग देख सकते हो अभी रात छा रही है, अब हरकतें हो सकती हैं। हम लोग को यार जल्दी से पहुँचना पड़ेगा, इस गेम के अंदर काफ़ी खतरनाक जानवर होते हैं जो रातों के अंदर घूमते हैं। हम लोग जल्दी से यहाँ पे टर्न करके यार निकल लेते हैं गाइस, तुम लोगों को क्या लगता है? अभी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है ज़्यादा नाइट के अंदर ना। मैं तो पता नहीं कैसे एक बार बच गया था पूरी नाइट, मैं बस उसके अंदर बैठा रहा था अपनी उसे एक ये होता है ना बस स्टॉप यहाँ पे, इसके ये टॉयलेट से के अंदर टॉयलेट से कुछ स्ट्रक्चर है ना वो। हम लोग अब जल्दी से चलते हैं यार, यहाँ पे अच्छे से बहना ले जानी पड़ेगी गाड़ी। यहाँ पे इतने टर्न क्यों है, सीधी रोड नहीं हो सकती थी क्या? अरे बाप रे ड्रिफ्ट मार दी यार मैंने, मुझे लग नहीं रहा था ये रेसिंग गेम बन चुका है ऑलमोस्ट, इतनी ड्रिफ्टिंग होती है ना जब भी तुम ट्रेलर लगाते हो। ओके हम लोग बेस्ट बरवर में आ चुके हैं, हम लोग को जल्द अच्छे से पार्क करना पड़ेगा बिल्कुल, पिछली बार उतनी अच्छे से नहीं की थी। ओके मैं ले आया हूँ, इतने सी रहेगा, इतने में सब कुछ कवर हो जाएगा आई थिंक। अब लेट्स सी किस किस के ऊपर से लगी, रूस्टर मीट मिल्क और मिल्क के ऊपर लगी यार गाइस, अच्छी प्राइस का बिक सकता है। और चिकन मीट बॉल तो नहीं बेचेंगे। ओके लेट्स सी हम लोग का मिल्क 42 ये गायों का है और गोट्स का है, एग्स नहीं उठाए इन लोगों ने। और हम लोग जल्दी से उठा के रख देते हैं यहाँ पे अपने सामान को, इन दोनों को तो उठा लिया इन लोगों ने डेफिनेटली, और सारे मिल्क को ले लिया लेकिन एग बास्केट को नहीं लिया पता नहीं क्यों। ये जल्दी से इन लोगों को एग्स देते हैं हम लोग अपने, और देखते हैं अब कितने और एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं हमें, 350 सिर्फ एग्स से। बाप रे यार अच्छी है हम लोग की, मतलब वो तो रूस्टर और ये सब ना बहुत बहुत अच्छे पैसे दे रही हैं वो हमें, अच्छी बात है वो। चलो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं और एक यहाँ पे रख देते हैं और निकल लेते हैं हम लोग। तो चलो गाइस हम लोग अब जल्दी से अपनी रेंज के ऊपर आ रहे हैं। मेरा भी प्लान चल रहा है यार, हम लोग क्या करते हैं यार, अब हम लोगों ने काफ़ी मज़े ले लिए,
अभी यार हम लोग को उसको भेज देना चाहिए, इसका नाम क्या था, रफ्तार। हाँ भाई चलो हमारे साथ चलो, आई थिंक हमारी गाड़ी में बैठ रहा था ना हमारे साथ, जल्दी से आओ भाई रफ्तार, अपन तुम लोगों को भेज के आ जाएंगे, आई थिंक मेरी इसके अंदर भी बैठ जाता है। चलो गाइस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रफ्तार के साथ जल्दी से ना अपने वहाँ पे जाते हैं ऑक्शन पे, वहाँ पे मैंने देखा था एक सेल का भी ऑप्शन होता है, तो हम आई थिंक वहाँ से अपने घोड़ों को सेल कर सकते हैं। हम लोग जल्दी से रफ्तार को सेल कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा प्राइस नहीं मिलेगी, मुझे अभी हल्की सी मनी की ज़रूरत है और रफ्तार अब है ना काफ़ी टाइम से हमारे पास है। ओके हम लोग जल्दी से विलियम्स लाइफ स्टॉक ऑक्शन पे चलते हैं। तो गाइस रफ्तार ये रहा हम लोगों का, अबाउट जितनी प्राइस में आया था ना उतनी प्राइस पे बिक रहा है। चलो हम लोगों का कोई लॉस नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसको जल्दी से सेल करते हैं। हम लोगों का रफ्तार गाइस बिक चुका है, चलो भाई गुड बाय हो गया उसको। एक सेकंड, एक चीज़ देखो तुम लोग, ऊपर वो जो है ना ऊपर जो मेंटेनर उसके पास फैन है, हम लोगों को गर्मी में बैठा दिया उसने। चलो गाइस तो हमने अब रफ्तार को सेल कर दिया, अब हम लोग क्या करते हैं जल्दी से अपने घर पे वापस चले जाते हैं। अब यार काफ़ी रात हो रही है, हम लोग को अभी काफ़ी पैसे भी मिल गए होंगे, हाँ 30,000। हम लोगों को अगर ज़्यादा मनी की ज़रूरत होगी मैं बाद में जाके एक घोड़ा खरीद लूँगा, अभी के लिए तो इतना सही है। वो एक घर हम लोगों का मतलब काइंड ऑफ अपना स्टोरेज रूम बन चुका है, अब वहाँ मैं अपना सामान रख दूँगा जो भी होगा, और यहाँ पर हम लोग मज़े लेते रहेंगे उसका, बस एक घर है मतलब समझ लो तुम लोग। तो हम जल्दी से यार सोने चलते हैं, अभी काफ़ी रात हो रही है, हम सुबह ही सुबह बिल्कुल फैंस का काम करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कैसे कैसे बना सकता हूँ मैं, काफ़ी अच्छा लगा है ना, तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताना कि कैसा बनाया मतलब एंड में जाके ना। चलो देखते हैं कैसे कैसे जाती हैं चीज़ें, अब मैं सोने चला जाता हूँ। तो गाइस अब बिल्कुल अच्छा वाला एकदम दिन हो चुका है, तुम लोग देख सकते हो, अरे तूफान आ रहा है यार। हम लोगों को क्या करना है अब, आज हम लोगों की काफ़ी खतरनाक वाली बिल्डिंग होने वाली है गाइस। तुम लोगों को याद होगा कि हम लोगों की जो ग्रेनरी है ना वो यार अब काफ़ी दूर पड़ गई, और आई थिंक ये काइंड ऑफ सही चीज़ भी है क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी बोझ है, वो वाले बांध का भी सारा खाना वो हैंडल करती है और हमारी गोट्स का भी। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे हम लोग एक सेपरेट ग्रेनरी लगाए थे, सबसे पहले तो हम लोगों को फेंस बनाना शुरू कर देने चाहिए, यहाँ पे हम लोग फेंस बना देंगे, फिर मैं बाद में ग्रेनरीज और फूड ट्रोस का कर लूँगा। फेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, पहले इन्हीं से बिगिन करते हैं क्योंकि इनकी बाउंड्रीज को सेट करती हैं। मैं कोशिश करूँगा दोनों बार्न डोर्स को कवर कर लूँ मैं, ताकि उससे हमारी एंट्री ये सब हम लोग की काफ़ी ईजी हो पाए ना। चलो हम लोग कोशिश करते हैं, यहाँ से हम लोग अपना पहला एक ज्वाइन कर देते हैं, ये बिल्कुल एज से परफेक्ट। अब यहाँ से हम लोग आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं बिल्कुल एक अच्छी सी स्ट्रेट लाइन में, इन लोगों का काइंड ऑफ उनके जैसा होगा। मैं क्या करूँगा ये वाली जो बांध की वो है ना फ्रेंड्स, मैं इसको भी पेंट कर लूँगा, हम आज पेंट भी लेके आ जाएंगे, तुम लोग का यार काफ़ी प्यारा लगने वाला है ये। अभी मैंने यहाँ पे टर्न ले लिया, इन लोगों का ये काफ़ी अच्छा होने वाला है, साइड वाला एरिया हमारी गायों से अच्छा। तो हम लोग यार जल्दी से कंटिन्यू करते हैं, ये पूरी लेंथ तक करूँगा मैं तो इसे बांध को, और हल्का सा आगे तक एक्सटेंड कर लूँगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फ्रंट डोर को फिर ओपन नहीं कर पाऊँगा ना अगर मैं आगे तक एक्सटेंड नहीं करूँगा, हल्का सा एरिया कर लेंगे हम लोग। मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे इस वाली साइड में ना बाद में जाके अभी मैं एक डोर भी लगा दूँगा। अरे ये क्यों रास्ते में आ रहा है, इसको यहीं पर उगना था भाई हरकत। चलो अगर ये हल्का सा दूर भी हो जाता ना मतलब जैसे वो वाले पेड़ थे, इसको जीने में को मिल जाता ये वाले पेड़ को। और यहाँ पे भी यार कितने पेड़ पौधे हो रखे हैं, इनको तोड़ो यार, मैं जल्दी से रास्ते में आएंगे ये तो गंदे वाले एकदम, हटो भाई। हाँ नहीं तो यार चलो ये सारे चले गए हम लोगों के। अरे यहाँ पे भी और है यार, यहाँ पे पेड़ नहीं उगने चाहिए काइंड ऑफ, मतलब ये ग्लिच कर सकते हैं ना हम लोगों के फ्रेंड्स को, और पता चला एस्केप कर जाएंगे किसी तरीके से। हम लोग सबको लॉग्स में टर्न कर देते हैं। ओके हम लोग की कुछ टाइम की लॉग्स भी हो गई, अगर मुझे एंड में जाके ज़रूरत पड़ेगी ना थोड़ी सी लॉग्स की तो इनका यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो मैं इनको साथ में यहाँ पे एक झुंड बना के रख देता हूँ, मुझे याद भी रहेंगी ना ये, अगर इधर उधर फैली रहेंगी तो फिर मुझे है ना याद नहीं आएंगी। हम लोगों ने यहाँ पे ये सारी की सारी लॉग्स रख दी, अब चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने वर्क को। अरे यहाँ पे भी एक रखी हुई है, इसको निकालो यार ये रही। और एक गाइस आई थिंक सनलाइट आ रही है, बहुत अच्छा लगता है ये, अभी जैसे हल्की हल्की बारिश चली आती है ना और ये आ गया। हाँ यार गाइस अच्छा लग रहा है ना बहुत। अरे यहाँ पे वैसा वैसी चीज़ हो रही है, हल्का सा ऊपर है ये लैंड, हम लोग को मोड़ के उसे करना पड़ेगा, इसको उल्टा करते हैं हम लोग जल्दी से, यहाँ पे लग ही नहीं रहा, मैं इस साइड पे आ जाता हूँ। हाँ ऐसे करके हम लोग का हो रहा है ना, अब हम लोगों को वहाँ पे सही से लगाना है कि बीच में से कुछ ना निकल जाए यार, उन लोगों के बच्चे निकल जाते हैं ना वो छोटे से होते हैं वो। ओके आई थिंक है ना गुड इनफ है ये, इससे हम लोग का पूरा काम हो जाएगा उनका। अब यहाँ पे हम लोग को एक लगाना है, एक इसके साथ बिल्कुल कुछ भी नहीं निकल पाए, मतलब मुर्गी का बच्चा तक ना निकल पाए अगर डालूँ मैं यहाँ पे।
ओके आई थिंक ये काफ़ी अच्छा है, अब इसके साथ हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया और हम लोग क्या करते हैं अपने पुराने वाले फेंसेस का यूज़ कर लेते हैं, ये इससे हम लोग की बाउंड्री सेट हो जाएगी। और आई थिंक हल्का सा ज़्यादा स्पेस नहीं बचा है यहाँ पे। तो गाइस मैंने उस चीज़ को फिक्स कर दिया, अब तुम लोगों को क्या लगता है ये कैसा है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। चलो अब हम लोगों को जल्दी से, ये तो हो गया, हमें इस साइड से भी कवर करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ की जो बार्न डोर है ना ये वहाँ से शुरुआत कर देंगे ताकि हम लोग वहाँ से भी एंटर कर पाए ना। यहाँ से हम लोग देखते हैं ये कनेक्ट हो सकता है क्या किसी फेंस से, और यहाँ पे नहीं हो पा रहा लेकिन है ना, फिर भी गुड इनफ, ये ऐसा कर लेगा हम लोगों का। यहाँ पे हम लोग ऐसे करके बना लेते हैं ताकि ये एस्केप ना कर पाए ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़। ओके ये हो गया और ये हल्का सा मोड़ सकता हूँ क्या मैं, हाँ परफेक्ट। अब इससे आई डोंट थिंक कुछ भी निकल पाया, इससे तो चूजा तक नहीं निकल सकता, इतना सा है वो। ओके गाइस तो मुझे अभी तक काफ़ी अच्छा लग रहा है यार फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ पे एक डोर बना लेते हैं क्योंकि हम लोग के पास एंट्रेंस भी तो होनी चाहिए ना, एक हम लोग पीछे भी कहीं बना लेते हैं, वहाँ पे भी रास्ता होगा ना। जल्दी से जाके देखते हैं कहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि मुझे कार कभी कभी लानी होती है ना, तो मैं मटेरियल्स को कैसे डालूंगा अपने। आई थिंक यहाँ पे काफ़ी अच्छी पोजीशन है हम लोगों के लिए डोर के लिए, इसको जल्दी से डिमोलिश करते हैं हम लोग और एक डोर को प्लेस कर देते हैं। लग जा भाई, परफेक्ट, हम लोग की डोर लग चुकी है। एक यहाँ पे लग सकती है क्या, हाँ यहाँ पे अच्छा स्पेस लग रहा है यहाँ पे। जल्दी से यहाँ पे आ जाओ ना, हर साइड से एंटर कर पाऊँ बेस्ट रहेगा ना ये हम लोगों के लिए। कुछ होता तो है नहीं डोर को लगाने से, बस हल्के से और प्लैंक जाते हैं, लेकिन वन टाइम की चीज़ होती है, फिर बाद में जाके ही नहीं लेते पैसे। ओके हम लोगों के परफेक्टली प्लेस हो गए हैं और काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है इन लोगों का फेंस। तो चलो गाइस हम लोगों का अब ये तो काम हो गया हम लोगों के पूरी फेंसेस का, अब हम लोगों का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि काफ़ी टाइम तक रहेगा। हम लोगों को एक ग्रेनरी लगानी है और एक विंडमिल लगाना है। तो गाइस इस ग्रेनरी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और जल्दी से एक प्यारी सी पोजीशन देखते हैं जहाँ पर मैं लगा सकता हूँ अपनी ग्रेनरी को, वहाँ से जाके इन लोगों को पूरा का पूरा अपना खाना मिल जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो इसके अंदर बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करनी है हम लोगों को। यहाँ पे कोई अच्छा, यहाँ पे अच्छा एरिया लग रहा है ना एक, यहाँ पे मैं कोशिश कर सकता हूँ। आई थिंक यहाँ पे कुछ लॉग्स रखी हुई हैं और यहाँ पे ट्रक भी है, तो चलो हम लोग अपने ट्रक को पीछे ले लेते हैं। गाइस यहाँ पे अच्छी खासी हम लोग की बहुत प्यारी सी ग्रेनरी होने वाली है, यहाँ पे अभी पार्क करते हैं, इसको हल्का सा टर्न कर लेता हूँ मैं। तो हम लोगों का अभी ट्रक निकल चुका है, हम लोग यहाँ पे अब आराम से बिल्कुल अच्छे से लगा सकते हैं अपना सामान। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और लेट्स सी यहाँ पे ग्रेनरी बन सकती है क्या, एक प्यारी सी बन जाए हम लोग की, बहुत ही अच्छा लगेगा ना। और ये हम लोग की एक ग्रेनरी प्लेस होगी, इसके हम लोग एक बार रेंज चेक करें। इसको हम लोग ऑफ करते हैं, अपने हैंड मोड में जाते हैं एक बार और फिर हम लोग इसकी रेंज को सेलेक्ट करते हैं कितनी है। इसके ऊपर है ना टॉगल एरिया विजिबिलिटी, अब घूम के देखते हैं एक बार बांध के पूरा का पूरा कवर कर रही है क्या। हाँ फेंस के परिमीटर को तो काफ़ी अच्छे से कवर कर रही है ये, अंदर का सामान काफ़ी अच्छा है। ये राइट साइड में है ना हम लोगों का, वहाँ पे हम लोग सारी अपनी फूड ट्रोस बना सकते हैं, बांध के अंदर का तो ये पूरा कवर कर रही है। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है, हम ऐसे ही अपने विंडमिल को लगा सकते हैं और ऐसे करके हम लोग का सारा काम हो जाएगा विंडमिल और ग्रेनरी का। चलो हम लोग जल्दी से एक विंडमिल को भी प्लेस कर देते हैं। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने पीछे वाली साइड पे क्यों बनाया है, क्यों नहीं बनाया इसे। मैं सोच रहा हूँ वो जो हॉर्स पैडक है ना अराउंड वहाँ पे, मैं उसको अभी यूज़ में नहीं आएगा ना अगर वो ज़्यादा, तो हम लोग उसको तोड़ के एक बांध बना देंगे, उसके अंदर का भी काम हो जाएगा। हम लोग ने जैसे बकरियों का और उनका किया है ना काउस का, वैसे हम लोग सेम काम कर लेंगे, उससे हम लोग के सारे जानवर सेपरेट हो जाएंगे और फिर हम लोग का काफ़ी अच्छे से वो हो जाएगा ना काम, मतलब जिस जानवर के लिए जाना है वहीं पर जाएंगे हम लोग, ज़्यादा हरकतें नहीं, मतलब इधर उधर घूमे जा रहे हैं। आई थिंक मैंने काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट कर दिया, मेरे घर की तरफ फेसिंग है ये, नाइस। हम लोगों ने अब ये तो सारा काम कर दिया, अब हम लोगों को बस एक और चीज़ लगानी है, हमारे फूड ट्रोस और वाटर बोल्स। मैं कुछ अच्छी अच्छी जगहें ढूंढ लेता हूँ जहाँ पे हमें लगाना है और जल्दी से हम लोग लगाना शुरू करते हैं। ये रहा फूड ट्रो हम लोगों का, पहले सारे फूड ट्रो लगा लेंगे फिर हम लोग वाटर बोल बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोग पहले तो इसके अंदर चलते हैं और इसकी रेंज को चेक करके लगाते हैं सारे के सारे। एक हम लोग यहाँ पे एक कोने में लगा लेते हैं, यहाँ पे है ना खाना कर लेंगे अपने ये लोग, और एक है हम लोग यहाँ पे एक वाटर बोल लगा लेते हैं, ये इसके बिल्कुल साइड में साथ में ही काम हो जाता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ओके ये परफेक्ट, हम लोगों का ये लग चुका है इसकी रेंज के अंदर, और अब लेट्स सी यहाँ पे अंदर जाके बनाना होगा और एक और कुछ साइड से बना सकता हूँ मैं। यहाँ पे हम लोग एक वाटर बोल और एक फूड ट्रो बना लेते हैं जल्दी से, इस कोने के अंदर भी जगह है ना, हम लोग सबसे यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं हमारे सारे सामान को ना। यहाँ पे अब एक वाटर बोल लग सकता है क्या, हाँ परफेक्ट, ऐसे करके हम लोग काफ़ी अच्छे से स्पेस मेजरमेंट कर सकते हैं अपने पूरा का पूरा। यहाँ पे तो नहीं लग पाएगा उस वाले कॉर्नर पर, लेकिन इस साइड्स के इन साइड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लग सकते हैं ये। ऐसे करके हम लोग का सारा फूड्स का और खाने ना पानी का इन लोगों का पूरा सामान हो जाएगा। ये हम लोगों ने एक पेड़ लगा दिया, यहाँ पे एक और पेड़ लगा देते हैं हम लोग ये,
अब हम लोग जल्दी से फूड वाटर बोल। तुम लोगों को भी आदत हो गई है ना इस सब चीज की। मुझे पहले पहली बार बनाया था ना, मुझे तो लग रहा था बाप रे कितना बड़ा है, इसके अंदर बैग ऑफ वीट ऐसे कुछ लगते हैं 3-4। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या बना दिया मैंने। अब मैं सोचता हूँ स्मॉल वाले फूड प्रो होते हैं कितने छोटे होते हैं। ओके हम लोग एक यहाँ पे बना देते हैं, नाइस अच्छा प्लेसमेंट है। अब हम लोग जल्दी से यहाँ पे चलते हैं अंदर। मैं एक दो बना देता हूँ यहाँ पे, अंदर घूमते घूमते खा लेंगे ना ये लोग। एक यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे घूमने को ज़्यादा मिलता है नहीं ना इन लोगों को, यहाँ पे ज़्यादा कुछ फूड प्रो नहीं है पीछे भी। हम लोग एक और यहाँ पे इसके बैक में भी लगा देते हैं, काफ़ी अच्छे लगेंगे ना, हम लोग के सारे जानवर फैले होंगे। अब हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, इन सबके वाटर बोल्स बना देते हैं। ये हम लोग का पहला वाला वाटर बोल पीछे का, नाइस। वैसे यार ये काफ़ी अच्छी जगह है ना मेरे हिसाब से, यहाँ पे काफ़ी सारे जानवर घूम पाएंगे हम लोग को। वैसे अभी उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है कंपार्टमेंट को, यार कंपार्टमेंट के साथ हल्की सी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या होता है बहुत कम स्पेस होता है जानवरों के लिए, मतलब वो उसके थ्रू निकल ही नहीं पाते हैं, दीवारों के अंदर गंदा वाला अटकते हैं एकदम। चलो गाइस मैंने अपोजिट साइड पर लगा दी ताकि हम लोग के जानवरों को एक्सरसाइज मिल जाए ना पूरी की पूरी। तो गाइस अब हम लोग का ये तो सारा काम हो गया, हम लोग क्या करते हैं अभी हम लोग प्लेसमेंट शुरू करते हैं अपना। मेरे कुछ प्लैंक्स है ना, अगर इनकी कमी हो जाएगी ना तो हम लेंगे हम लोग को, और कॉन्क्रीट और ये सब भी लाना पड़ेगा हम लोग उसको भी लेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सबसे पहले अपने प्लैंक्स को प्लेस करेंगे, जब वो खत्म हो जाएंगे ना हम लोग अपने सारे के सारे पेंट्स लेंगे और फेंसेस को पेंट कर देते हैं। तो अब मैं अपने वर्क को शुरू करता हूँ। पहले तो मैं सोचूंगा गाइस हम लोग अभी मेटल को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, पहले हम लोग सारे अपने फेंसेस लगा देते हैं ना यहाँ पे, देखते हैं। यहाँ पे मैं अपने बिगिनिंग से शुरू करता हूँ, नाइस। ये हम लोग के दो लग चुके हैं, मैं पहले फेंसेस से करूँगा उसी ऑर्डर में हम लोग करेंगे जैसे हम लोगों ने करा था ना, मतलब जैसे पहले की फेंसेस और फिर बाद में जाके हम लोग के सारे फूड ट्रो, फिर ग्रेनरी हम लोग की। वैसे ग्रेनरी और ये सब तो पहले बनाया था हम लोगों ने फूड ट्रो, लेकिन फिर भी मैं पहले बना दूंगा क्योंकि एकदम से फिलअप हो जाएगा ना हम लोग की ग्रेनरी जैसी बनेगी, काफ़ी अच्छा लगा मतलब फिलहाल बोल जमाने में ना। ये हम लोग का ये एक डोर बन चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना इस, ये सब पूरा वाइट पेंट होगा, बहुत ही प्यारा लगा हम लोगों का सब कुछ सामान। और यहाँ पे हम लोग को अब इंसर्ट करना है अपना सारा का सारा, काफ़ी बड़ी है यार ये दीवार। लेकिन आई थिंक हम लोग के इतने फेंसेस में हम लोग के फेंसेस तो हो जाएंगे। तो गाइज मैंने अभी जल्दी से क्या किया है, हम लोग का जो ट्रक है ना मॉन्स्टर ट्रक, मैंने इसको इससे कनेक्ट करके मैं इसको यहाँ पर ले आया हूँ। हम लोग की प्लेसमेंट यहाँ पर अच्छी हो जाएगी ना, तुम लोगों को क्या लगता है? हम लोग जल्दी से यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं अपने वर्क को, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना हम लोगों का। चलो हम लोग जल्दी से यहाँ पे करते हैं, मैं पहले गेट बना लेता हूँ इसका, मेरे लिए पहले से ही एंट्रेंस रहेगी ना, ये अच्छी किसी चीज़ से अटैच नहीं है, बस यहाँ पे ये प्रीमियम एंट्री है, ये लो लेवल एंट्री है, ठीक है ना। अच्छा लग रहा है। चलो हम लोग यहाँ पे अब जल्दी से करते हैं हम लोग इस फेंसेस को शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, उस बाउंड्री को मैं जल्दी से कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर अच्छा लगेगा ना हम लोगों को पूरा ऐसा, और ज़्यादा कंप्लीट लगेगा ये, मतलब एक जगह तो कंप्लीट हो गई एक साइड, वरना बीच बीच में से करूँगा हल्का सा ऐसा लगेगा कैसे कनेक्ट कर दिया ये। इसको लेते हैं हम लोग का, तुम लोगों को क्या लगता है? आई थिंक मेरा फेंसेस का काम तो इतने में पूरा हो ही जाएगा, देख रहे हो इतने में इतनी बड़ी दीवार तक मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया अभी के अभी। यार काफ़ी अच्छा हो रहा है इस गेम के अंदर तो, ऐसे तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना सकता हूँ इतने लेवल के ऊपर में। चलो ये हम लोग की यहाँ के तो हो गए पूरी की पूरी साइड, अब अच्छी लग रही है ना ये पूरी साइड। यहाँ पे हम लोग का पूरा ही फेंस बन चुका है, यहाँ से कोई भी जानवर नहीं भाग सकता। मैं तक ऊपर इस वाले एरिया से चढ़ सकता हूँ लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, जानवर उछल नहीं सकते ना इस गेम में, हमारे लिए सही है। चलो हम लोग यहाँ पे और लगा देते हैं अपने प्लैंक्स, ये रहे। और यार मैं इसको खोल लेता हूँ ना, अब हम लोग अब यहाँ पे ले आए, अब आराम से कर सकते हैं सारा प्लेसमेंट। इसको जल्दी से उठाते हैं हम लोग और कंटिन्यू करते हैं हल्का सा। वो क्या हो रहा है, नाच क्यों रही है मेरी गाड़ी भाई, इसके अंदर जान आ गई क्या, ये क्या कर रही है, अंदर भूत चढ़ चुका है इसके, आई थिंक हल्का सा। तो मुझे इसको ले जाना पड़ेगा कहीं, इसको इससे भूत निकलवाना पड़ेगा, पता नहीं क्या कर रही है गाड़ी मेरी, बस मूव करे जा रही है ऐसी कहीं, वो है ना रफ्तार तो है ना ड्राइव नहीं कर रहा ना इसके अंदर, पता चला इंजन में घुस गया वो सेल के नाम पे। चलो हम लोग जल्दी से लेते हैं इसको और यहाँ पे इसको पूरा का पूरा कनेक्ट, आई थिंक हाँ यार गाइस हम लोग का फेंस इतने में कंप्लीट हो भी गया यार, काफ़ी जल्दी नहीं हो गया? अब देखना यार फूड ट्रो तो मुझे नहीं लगता हो पाएंगी, मतलब दो स्टैक्स के अंदर तो एक बनती है और चार स्टैक्स के अंदर पूरा का पूरा बनता है, तो यार काफ़ी खतरनाक माल है इनका, पता नहीं क्यों ऐसा है गेम के अंदर, अजीब ही चीज़ है यार ये, अजीब लगता है बहुत ऐसा करना। चलो हम लोग जल्दी से इसको ले आते हैं और हम लोग के सारे यार सेंसेस इतने में कंप्लीट हो जाएंगे, हाँ यार पूरे सेंसेस कंप्लीट हो गए हम लोग के। अब हम लोग जल्दी से इसके अंदर काम करते हैं हमारी फूड ट्रोस के अंदर, ये हम लोग का पहला वाटर बोल के अंदर इंसर्ट कर दिया है मैंने, अब चलो और लेके आते हैं हम लोग प्लैंक्स। तुम लोगों को क्या लगता है इतने में हो पाएगा क्या काम? मुझे आई थिंक अरे हाँ यार हो लग तो रहा है हल्का सा, मतलब दो स्टैक ऐसे काफ़ी हैं यार मेरे पास, लेकिन अब ये भी बात है इनकी भी क्वांटिटी काफ़ी हाई है, मतलब लड़ाई सी है। इन दोनों को खोली देता हूँ मैं गेट्स को, अब मैं ही तो आ जा रहा हूँ, मतलब और कोई आने थोड़ी ना वाला है। हम लोग जल्दी से यहाँ से चलते हैं, यहाँ से आ जाता हूँ ना मैं भी क्या हरकत दे रहा हूँ, वहाँ से आए जा रहा हूँ।
चलो जल्दी से उठाते हैं इसको। ये वाला ये कहाँ से उठाया मैंने, कहीं से गायब तो नहीं हुआ? चलो जल्दी से उस वाले को फिनिश कर लेते हैं हम लोग पहले। तुम लोगों को कैसा लग रहा है हम लोगों का नया बॉनी? यार काफ़ी प्यारा है ना, काफ़ी अच्छा खासा इसके अंदर स्पेस मैनेजमेंट है। हम लोग के जानवर इसके अंदर बहुत पीसफुली घूम पाएंगे। पिछले वाले की स्केल उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके अंदर पहले से ही इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब कितना बड़ा होने वाला है स्केल, वो काफ़ी अच्छी है। क्योंकि मैंने वो वाले बान को बाद में आके एक्सटेंड किया, वरना तो वो काफ़ी छोटा है इसके कंपेरिजन के अंदर। लेकिन उसका बड़ा यूज़ आ गया क्योंकि मैंने फेंसेस को अब और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया ना, उनका बाहर का एरिया ज़्यादा है जितना अंदर का एरिया है। आई थिंक ये हम लोग की पहली पेयर कम्प्लीट हो जाएगी। हम लोग को आज यार कॉन्क्रीट भी लाना पड़ेगा काफ़ी टाइम के बाद, हमारी ग्रेनरी के लिए ना, उसकी फाउंडेशन ने उससे बनती है कॉन्क्रीट से। आई थिंक वैसे यार तुम लोगों को नहीं लग रहा ज़्यादा ही है ना स्टैक्स लग रहे हैं हम लोग को? ज़्यादा देर में नहीं बनाई हम लोगों का फूड प्रो पहला वाला? चलो अच्छे लग रहे हैं पेयर, इसके अंदर खाना खाएंगे ना अपने सारे के सारे जानवर। अब यहाँ पे हम लोग और लेके आते हैं, मैं यहाँ से उछल के ले सकता हूँ। अरे हाँ यार मैं जल्दी हो जाएगा ऐसे तो काम हम लोगों का, जल्दी से लेके आते हैं हम लोग ऐसे उछल उछल के एकदम। हाँ यार अच्छा लग रहा है ऐसे, एक बन भी गई, मुझे उनको बनाने में इतना टाइम लगा था इसके कंपेरिजन में। जल्दी जल्दी उठा कर डाल देते हैं हम लोग तो यार। और ये हम लोग की एक और पेयर इतने में हो भी गई, जितनी मैं पहले बनी थी उससे ज़्यादा कंपेरेटिवली जल्दी नहीं बन गई है। चलो ये हो गया, अब हम लोग को ये दोनों और कंप्लीट करनी है, फिर हम लोग के आई थिंक बाहर के सारे हो जाएंगे। इस साइड के वैसे तो उस साइड में भी है ना, उस साइड के लगाने होंगे, लेकिन बाहर के पैर हो जाएंगे तो बाहर से मतलब एक्सटीरियर का पूरा व्यू हम लोग को मिल जाएगा कैसा लगने वाला है इनमें जानवरों के बजाय। ऑफकोर्स मतलब अभी जानवर तो हम लोग काफ़ी आखिरी में लेने वाले हैं ना, जल्दी से हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। और हम लोग यार कितने प्लैंक बचे हैं, तुम लोगों को क्या लगता है यार इसके अंदर हो पाए? अभी भी यार ज़्यादा लग रहे हैं, पता नहीं बहुत ही कन्फ्यूजिंग लग रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और बहुत कम यूज़ हो रहे हैं एट द सेम टाइम, मतलब अजीब ही काम चल रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग बस कंटिन्यू करते रहते हैं जल्दी जल्दी। वैसे तुम लोगों को क्या लगता है ये बान, तुम लोगों ने वैसे रियल के अंदर देखा है क्या बान? बान यार मैंने सुना है काफ़ी प्यारे दिखते हैं रियल के अंदर तो बान, लेकिन मैंने जितना देखा है ना दूसरे गेम्स के अंदर, इनका यूज़ होता है ऐसा कुछ मतलब स्टोर करने के लिए। बांस वैसे एक बस एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे होते हैं ना ये मीनार्स होती हैं और ये सब टावर्स टरेट्स और ये सब होती हैं बिल्डिंग्स के अंदर यूज़ होती हैं, बस ये बिल्डिंग का स्टाइल है ये। इसका बहुत वर्सेटाइल यूज़ है। इसका सबसे मोस्टली यूज़ क्या है चीज़, लेकिन तुम लोग बताना यार कमेंट में तुम लोग को। और बांस के बारे में पता है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है ये बहुत अमेरिकन चीज़ लगती है ना, शायद अमेरिकन है ये। अब देखते हैं हम लोगों का कितने हो पाते हैं। अरे यार यहाँ पे तो काफ़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बचे हैं, वो भी सिर्फ अंदर, बाहर 8 9 10 11 11 हम लोगों को बनाने हैं। अब देखते हैं यार हम लोगों का हो भी पाएगा, मुझे नहीं लगता यार हो पाएगा, जल्दी जल्दी करते हैं हम लोगों का काम ही आई थिंक। लेकिन वाटर प्रूफ तो जल्दी बन गए ये वाला के अंदर आई थिंक पहले ही डाल दिया था मैंने। चलो और लेके आते हैं हम लोग ये गाय मजे ले रही है काफ़ी, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ना यहाँ पे इन लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है एरिया। शुरू में यहाँ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रहा था, लेकिन अब बहुत ही मज़े आ रहा है इन लोगों को, काफ़ी फैल गई है इन लोगों को, काफ़ी कम्फर्टेबल लग रहा है अब यहाँ पर, अच्छा लग रहा है मुझे देख के भी। मेरी चीज़ें वर्क कर रही है ना, अब जानवर मेरी ऐसे लग रहे बातें मानते हैं इस गेम के अंदर। पहले लगता था ये मतलब कर ही नहीं रहे, खाना नहीं खा रहे, मतलब वो याद है चिकन मर गए थे हम लोगों के, पता नहीं कैसे अजीब से चिकन थे, खाना ही नहीं खा पाए, खाना चाह रहे थे वो, उनको खाना मतलब ज़मीन पर पटक दिया था तब भी नहीं खाया था उन लोगों ने। अभी वाले जानवर मेरी छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर भी मान जाता है, मतलब काफ़ी अच्छे हैं यार हम लोगों के नए जानवर ना। हम लोग के यार काफ़ी प्लैंक्स बचे हैं अभी, मुझे तुम लोगों को क्या लगता है दोनों की काफ़ी इक्वल सा बैटल चल रहा है ये तो। अब देखते हैं हम लोग के फूड ट्रो अंदर के कंप्लीट हो जाएंगे ना काफ़ी अच्छा लगेगा, और बाहर के हो जाएँ तो आई थिंक हम लोग का काम हो ही गया। और क्या बनाना था हम लोग को, ग्रेनरी और ये सब बनानी है ना, लेकिन अगर मेरे इसके अंदर पूरा काम हो जाए ना मुझे अभी प्लैंक्स नहीं लेके आने होंगे, बात ये है ना। और ज़्यादा मुझे एक ट्रिप लगानी होगी काफ़ी, मतलब लोडिंग करनी होगी। ऑलरेडी हम लोगों को यार दोपहर हो गई है गाइस, 12 से आगे निकल चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को मतलब करते करते। आज मैंने बस ये ब्लू प्रिंट्स बनाए हैं फेंसेस के। वैसे कंस्ट्रक्शन वर्क इस गेम के अंदर अब हम लोगों का और हाई स्किल के ऊपर हो गया है ना, इस गेम के अंदर वैसे अच्छा लगता है कंस्ट्रक्शन, मतलब जब तुम हल्के हल्के देख सकते हो मतलब क्या बन रहा है, ऐसा नहीं बस एक बिल्डिंग के अंदर प्लेस करे जाते हो और हो जाता है। अब हम लोगों को दिखता है ये इसकी फूड ट्रोज बन गई है, एक कंपार्टमेंट हो गया बान का। उसके अंदर क्या हुआ था जब याद है हम लोगों ने प्रीमियम कूप बनाया था पहली बार, तब क्या हुआ था बस मैं इंसर्ट कर ही जा रहा था मटेरियल और बन ही नहीं रहा था, इतने टाइम में बनाता हूँ बाप रे। तो यार उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, और मैं एक तो प्लैंक्स को तब ऐसे लेके जाता था एक एक पकड़ के ले जाता था, हम अभी 8 लेके जा रहे हैं ना एक एक राइड के अंदर, एक एक है ना सफ़र के अंदर हम लोग, मैं बस एक लेके जाता था और उसके अंदर आई थिंक ऐसे कुछ लगाने 65 बहुत सारे लगे थे उस दिन तो। लेकिन यार इतनी खुशी मिली थी ना उस चीज़ को बनाने में, बहुत छोटा सा था वो लेकिन मतलब बहुत मज़ा आया था मुझे उसको बनाने में, बहुत हैप्पी फीलिंग आई थी उसको बनाने के बाद ना। यहाँ से उठा लिया उसने, मुझे लग नहीं रहा था उठा लिया, अच्छी बात है यार।
हम लोग का करेक्टर भी काफी खतरनाक हो रखा है। पार्कोर और सब कुछ जानता है हम लोग का करेक्टर, वैसे मतलब है ना बिल्डिंग से ऊपर कूद जाएगा, सब कुछ कर दिखाएगा ये। ओके हम लोग की इस साइड तो पूरी होगी, मतलब यहाँ से देखते ऐसा लगता है कम्प्लीट है। यहाँ पे अब करना है बस हम लोग को, तीन है यहाँ पे। चलो आई थिंक ये तो हो जाएंगे हम लोग के, अब बाकी का पता नहीं बाहर वाले हो पाएंगे क्या, देखते हैं हम लोग के कितने प्लैंक्स है। आई थिंक इतने के अंदर हाँ हो जाएगा वैसे, लग तो रहा है देखने में। मैंने रियली काउंट नहीं किए, बस काइंड ऑफ एस्टिमेट लगाया देख के। और यार अभी फिर से घटा छा रही है यार, यहाँ पर मुझे लग रहा है बारिश के कगार आ रहे हैं। तो हम लोग को जल्दी से यार प्लेस कर लेना चाहिए इससे पहले कि बारिश हो जाए, हमारे जानवर भीग ना जाए ना ट्रांसफर होने के वक्त, क्योंकि बकरियों के पास वैसे ही उतना ज़्यादा शेड नहीं है। उनको कम्प्लीटली बाहर ले आएंगे, मतलब बिल्कुल खतरनाक तरबतर हो जाएंगे वो तो, उनके पास तो कपड़े भी नहीं है ना। तुम लोगों ने रियल में देखा है, रियल के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, बकरियों को ऐसे शर्ट्स ही पहना जाते हैं। अच्छे लगते हैं जानवर, पता नहीं क्यों करते हैं, उनको शायद हल्का सा प्रोटेक्शन देने के लिए, उनके पास वैसे तो फर होता है लेकिन काफ़ी अच्छे लगते हैं फिर जानवर। मतलब शर्ट वर्ट पहना सकते हैं क्या हम इस गेम के अंदर जानवरों को? मैंने एक बार एक बंदे को देखा, उसने चश्मा लगा दिया था एक है ना बकरी के ऊपर ना, क्या कैसी लग रही थी भाई साहब यार वो बकरी, मुझे अभी तक याद है वो पिक्चर, मेरी दिमाग के अंदर फॉर्म हो गई उसकी। चलो हम लोगों के आई थिंक ये वाले फूड तो अंदर के यार हो जाएंगे, हाँ इतने प्लैंक्स में अंदर के तो हो जाएंगे, ये तो मैं शुरू। अब यार बाहर का मुझे नहीं पता, मैं काफ़ी अनश्योर हूँ उस चीज़ को लेके। हम लोग यहाँ से कूद के चलते हैं, हाँ यार अंदर के हो जाएंगे, बाहर के नहीं होंगे, बाहर भी यार काफ़ी है ना, क्योंकि और जबकि यहाँ पे बस है ना दो बचे ही, इसको जल्दी से इंसर्ट कर देते हैं इस वाले में हम लोग का। लेकिन काम काफ़ी फेयरली जल्दी हो गया, मुझे लग रहा था काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यू नो हम लोग का काफ़ी हाई स्किल का काम काफ़ी जल्दी करने लगे। याद है हम लोगों ने पहली बार बांध बनाया था उसके अंदर, तो मतलब इतने लेवल का है ना, उतनी लेवल का हम लोगों ने पहली बार में ही बना दिया इसे, मतलब इसको अपग्रेड थोड़ी ना कि सीधा फुली अपग्रेडेड वर्जन बनाया हम लोगों ने इसका, इसके अंदर सारे जानवर मजे से घूमेंगे। अब बकरियों को यार सबसे कम वो मिली है ना सर्विसेज, क्योंकि वो इतने से एरिया में रहते हैं यार बेचारे, उन सबके पास नाम है लेकिन मेरी सही सारी की सारी गायों के लिए के पास अभी नाम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही लगती है वैसे, अननेम्ड रहे उनकी खुद की मर्जी क्या नाम रखना है उन लोगों को अपना। चलो आई थिंक हल्की सी अब धूप आने शुरू हो रही है क्या, मुझे भी लग रहा था। अब देखते हैं यार इतने के अंदर, हाँ अब बाहर के तो नहीं हो पाएंगे, चार के अंदर एक चीज़ नहीं बन सकती, चाय नहीं आती इस गेम के अंदर चार स्टैक्स से, ठीक है बनेगा एक पेयर बन जाएगा आई थिंक। लेकिन जल्दी से लेके आते हैं हम लोग, हमारे पास कुछ वुड भी है यहाँ पे, हम लोग कुछ को तुम लोगों को क्या लगता है हम लोग कुछ वुड को वो भी कर सकते हैं प्रोसेस, हम लोगों ने कष्ट टाइम से किया नहीं है उसको कर लेंगे, और फिर हम लोग बाय करके आ जाएंगे अपना सामान बाकी सब अगर ज़रूरत पड़ेगी ना। ये रहा हम लोगों का, ये तो हो गया। चलो अब ये देखते हैं आई थिंक इतना ही पेयर बन पाएगा हम लोगों का, और एक हल्का सा और बन जाएगा हम लोग को, इनको प्रोसेस करेंगे फिर हम लोग बाय करने चले जाएंगे अपना कॉन्क्रीट और ये सब ना ग्रैनरीज के लिए। यहाँ पे हम लोग की गाय यार काफ़ी अच्छी लग रही है, यहाँ पे पिक्स है, हाँ मुझे पिक्स मूव करने पड़ेंगे, काफ़ी स्पेस ले रहे हैं ना उनका, तुम लोगों को क्या लगता है? और हमारी नए गाय भी आ रही हैं, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो ना कुछ काफ़ी पतली है, मतलब उन लोगों ने खाया वाया नहीं है। जब तुम जनरल स्टोर से खरीदते हो ना तुम्हें ऐसी पतली सी मिलती है, पता नहीं क्यों खाना पानी अच्छे से नहीं देते, पता नहीं कैसे लोग हैं वो। और मैंने काफ़ी अच्छा खासा खिला पिला दिया अपनी गायों को, मतलब काफ़ी मोटी सी हो गई है ना, फुल फुली सी हो गई है पूरी की पूरी है ना, अच्छी लग रही है ये मेरी यहाँ पे आके ना, हेल्दियर हो गई है ये आई थिंक यार। हाँ यार काफ़ी कम बचा है, मैं सबको प्रोसेस ही कर लेता हूँ, हम लोग का जल्दी से हो जाएगा ना काम। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास यार मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं जल्दी से अपने वो टेबल सॉस है ना मैं दोनों को पकड़ के ले आता हूँ अभी यहाँ पे जल्दी से, और यहाँ पे हम लोग प्रोसेसिंग कर लेंगे ना, मुझे उतना ज़्यादा वो नहीं ले जाना पड़ेगा, मतलब रेदर देन मैं सारी लॉग्स उधर ले जा रहा हूँ। अरे यहाँ पे भी प्लैंक्स पड़े हैं, अजीब बात है यार, इसको लगाए थे हम लोग का यार काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, मेरे ऐसे ही पड़े रहते हैं सामान और यहाँ पे भी लॉग्स पड़े हुए हैं, बाप रे यार मैं काफ़ी सामान छोड़ देता हूँ इधर उधर। तुम लोगों को यार याद है कहाँ पे सारी लॉग्स हैं, मेरे पास काफ़ी लॉग्स पड़ी होंगी इधर उधर पूरे पूरे रेंज के ऊपर ना, रियली इतनी लगती नहीं है मैंने एरिया के अंदर तो सब कुछ उठाया हुआ है ना। ये वाइल्ड मीट पता नहीं किस रोन का बहुत पुराना लग रहा है देखने में, तो बेस्ट बर्गर वाले के हैं वहाँ पे, उन लोगों को कुक भी नहीं कर रहा होगा, ऑलरेडी क्रंची होगा वो मीट। चलो हम लोग जल्दी से आ जाते हैं यहाँ पे अपने लग्जरी टेबल सॉ को लेके, ये वाला हम लोगों का पहला वाला, इससे आई थिंक जल्दी इनफ हो जाएगा हम लोगों का काम, मैं जल्दी से इसी को लगा देता हूँ, जनरेटर ऑन करते हैं और लगा देते हैं हम लोग यार, काफ़ी जल्दी करता है ना ये काम, तुम लोगों को क्या लगता है? ये हम लोग का एक पहली लॉग हो भी गई इतने में, बताओ यार ये इन दो को लेके आते हैं हम लोग और जल्दी से लगा के आते हैं यहाँ पे, ये लगा दिया मैंने इतने में भाग के आया हूँ मैं, इतने में इसका काम हो भी गया। ऐसे अगर मैं स्पीड रखता हूँ ना अपनी बहुत जल्दी हो जाएगा हम लोग को, मतलब हम लोग को दो की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ऐसे करके, तो यार ज़्यादा जल्दी नहीं हो रही काम, ये लगा दिया मैंने एक और, बस हमें ऐसे करते रहना है अभी हम लोग की ये ओके। अब हम लोग का एक और फिनिश हो गया आई थिंक, एक और हम लोग का फूड प्रो
और फिर हम लोग का बस ये बचा है वाटर बोल है ना ये ईडन, और इसके अंदर कितने बचे, इसके अंदर तो एक भी नहीं है यार। यहाँ पे कुछ लोग पड़ी हुई है लेकिन वहाँ पे भी कुछ पड़ी हुई थी, वहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा नहीं है लेकिन अब बची सारी ख़त्म कर दी मैंने यहाँ की, तो ये हम लोगों ने डाल दी, तीन हुई है यार अभी बस उसकी। पता नहीं लॉक से हो पाएगा कि नहीं। मैंने वैसे कुछ और पेड़ काटे तो थे इधर उधर पड़े होंगे क्या, अगर प्रॉब्लम होगी एक दो पेड़ काट ही लेंगे, मतलब यार इतनी सी तो लॉक से मैं क्या हरकत दे दूँगी। चलो ये हो गया हम लोगों का, अब हम लोग वहाँ पे लेके आ जाएंगे अभी अपने लग्जरी टेबल सॉ को ना, ये हम लोगों ने डाल दिए यहाँ पे। अब चलो इसको पकड़ के ले जाते हैं भाई, ऑफ़ करो ये जल्दी से, ऑफ हो, हाँ भाई इधर आओ। चलो हम लोग वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हम लोग की और लॉग्स है ना, यहाँ पे जल्दी जल्दी इंसर्ट करते रहेंगे। और चलो चल के मेरा जनरेटर कहाँ गया ये रहा, चलो अब जल्दी से डालते हैं और यहीं से मैं इंसर्ट कर दूँगा। इंजन के ऊपर खड़ा हो सकता हूँ कि हाँ परफेक्ट ही हो रहा है ना हम लोगों का, ऐसे बोलते हैं प्रोडक्शन। ओके अरे वो उठी क्यों नहीं, मुझे लग रहा था उठा ली थी ये। अब जल्दी से यार इंसर्ट कर देते हैं कि क्या हो रहा है मेरे कैमरे को, ये हो गया अब इंसर्ट, हाँ ये जल्दी हो रहा है ना इससे हम लोगों का काम परफेक्ट। हम लोग ये बेकार के इधर उधर की लॉग्स भी इस चक्कर में मतलब साफ़ हो रही है, ये अच्छा रहता है ना, साफ़ सफाई रहती है, अच्छा लगता है। अब ये डाल देते हैं, ये आई थिंक हो ही गया ये 13। बाप रे इतनी गंदी वाली हरकत हुई है ना मेरे साथ, अभी एक प्लैंक है ना शॉर्ट रूम है, इससे कुछ हरकत हो सकती है क्या अभी यार। इसको ऑफ करूँ मैं जल्दी से, एक एक को काट के आ रहा हूँ यार मैं। इधर उधर कुछ पड़ा नहीं है क्या यहाँ पे प्लैंक मेरे पास, यहाँ पे देखते हैं इधर उधर। अरे ये नहीं लॉग्स, ये तो यार सबसे पुरानी है ये, तुम लोग को याद है कभी पहले मैंने किस किस चीज़ के लिए काटी थी, शायद चिकन टाउन के लिए काटी थी मैंने। अब पता नहीं क्या हो गया, मुझे लग रहा था यहाँ पर इंसान खड़ा हुआ था, इसकी पूछ रही है, मैं डर गया यार, इसके अंदर NPC होते हैं इस गेम में। चलो हम लोग यार इसको डाल देते हैं, वो पता नहीं कितनी पुरानी लॉग है ये, हल्की सी सड़ भी चुकी है लेकिन कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग हल्की सी स्पाइस डाल देंगे ये लोग इनके खाने में पानी के अंदर ना। चलो ये हो गया हम लोग का सारा काम, ये फूड ट्रोस का हम लोग को अब ग्रैनरी बननी होगी इनकी, ग्रैनरी पूरी ला के बना देंगे। इस प्लैंक को भी यहाँ पे रख देते हैं और इसको लेके चले जाते हैं हम लोग जल्दी से। यार गाय मेरी ज़्यादा नहीं हो रही, काफ़ी रात हो रही है यहाँ पे, हम लोग इसको वहाँ पे प्लेस कर देते हैं इसके यूजुअल एरिया के अंदर। ओके ये रहा, और यहाँ पे भाई बस रख लो। तो गाइस अब हम लोगों ने अपने सारा प्लैंक्स का तो काम कर लिया यार, हम लोग का हो गया घर ही घर में। अब हम लोगों को क्या करना है, अपनी ग्रैनरी बनानी है और हम लोगों को अपना वो बनाना है, नहीं और कुछ नहीं बनाना, बस ग्रैनरी बनानी है और विंडमिल बनाना है। ओके लेट्स सी इसके अंदर कितना कितना सामान लगेगा। कॉन्क्रीट इसको चाहिए 50 और मेटल चाहिए 125। आई थिंक यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है ना, सबको इंसर्ट कर देता हूँ मैं, 49 पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर डाल भी दिया। इसको ऑफ करूँ मैं, ये कौन क्यों कर दिया था। और आई थिंक मेरे मॉन्स्टर ट्रक के अंदर भी कुछ मेटल पड़ा हुआ था ना, उसको लेके आते हैं हम लोग जल्दी से, उसका भी यूज़ हो जाएगा ना अभी के अभी। काफ़ी अच्छी बात है ये, हम लोग के पास सारा सामान रहता है ना ऑलरेडी, और ये खाली भी हो गया अगले लोड के लिए, काफ़ी अच्छी बात है ना ये, मतलब हम लोग बिल्कुल चकाचक लेके जा रहे हैं ये, मतलब सारा सामान भी हो गया। हम लोग क्या करेंगे, मॉन्स्टर ट्रक के अंदर सारा पेंट लोड कर देंगे और उसके अंदर हम लोग अपने बैक ट्रेलर के अंदर अपने सारे दूसरे मटेरियल्स लोड कर देंगे। तुम लोग को क्या लगता है, अच्छा है ना ये प्लान। हम लोग जल्दी से अपनी ग्रैनरी के अंदर सारा का सारा मेटल डालते हैं। ये हो गया हम लोग का सारा मेटल का काम, जो भी मेरे पास घर पे पड़ा हुआ था। एक सेकंड, आई थिंक मेरे कूप के पास कुछ था क्या, वहाँ पे एक बार चेक करके आ जाते हैं, या फिर मैं उसको उठा के ले आया था, एक बार चेक करने में क्या हर्ज है। अरे एक्चुअली में पड़ा हुआ है यार गाइस, हाँ 43 पड़ा हुआ है यहाँ पे तो। अरे कॉन्क्रीट पड़ा हुआ है यहाँ पे। ओके तुम्हें तो हम लोग का ग्रैनरी यार डन यहीं पे, ऐसे घर में बैठे बैठे ये तो बहुत ही प्यारा हो गया यार गाइस काम। हम लोग को मेरी जॉब यार कितनी ईजियर हो गई, हम लोग का कॉन्क्रीट का काम हो गया, बस ये सारा मेटल डालिए बाकी सब इसके अंदर इंसर्ट कर देते, ईजी यार। और वहाँ पे हल्का सा और हल्का सा और मेटल भी है, हम लोग अभी मेटल और लेके आ जाते हैं और मुझे कॉन्क्रीट भी लाना है उन लोगों का, इन लोगों की ग्रैनरी देखते हैं तब तक वैसे कैसी चली। अरे यार काफ़ी खा रहे हैं, जल्दी से भर देता हूँ, ये लो भाई खाना खा लो अपना, अच्छे से खाना ठीक है ना। और ये इन लोगों का कैसा चल रहा है, इसको भी फिलहाल बोल कर देते हैं जस्ट इन केस। ये हम लोग और यहाँ पे कुछ वाइट बैंड भी पड़ा हुआ है, इसका यूज़ कर लेंगे बाद में जाके। अभी तो ये मैं ये छोटे वाले इसके अंदर ज़्यादा बचा हुआ नहीं है कॉन्क्रीट, मैं इस बैग को ख़त्म कर देना चाह रहा हूँ क्योंकि फिर ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा ना, ये बस इसके अंदर ये इंसर्ट हो गया, मतलब हाथ से चला गया वो, ऐसा नहीं रहेगा, बस पड़ा हुआ है कुछ। हम लोग जल्दी से वो आखिरी वाले बैग को लाते हैं, हम लोग की ग्रैनरी यार गाइस डन। अब बहुत ही तुम लोगों को क्या लगता है, बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा है ना हम लोग का ये मेगा स्केल के ऊपर काम। मैंने पता नहीं किस चीज़ के लिए लाया था, शायद इस वाली ग्रैनरी के लिए लाया था। कितना टाइम हो चुका है हम लोग को वो चिकन टाउन बनाए हुए, चिकन तो वहाँ पे बस गए, पूरे बच्चे तक हो गए, उनके उनके बच्चों के बच्चे हो गए, इतना टाइम हो गया है।
ओके गाइस, मैंने पूरा का पूरा बना दिया। हम लोग यहाँ पे अभी कंक्रीट का बैग रखते हैं, इसको फिल और फिल फीडर विद फूड, फिल अल्ट्रोस, ये फिर से फिल फीडर विद फूड और फिल अल्ट्रोस, इसका आई थिंक पूरा का पूरा इसने भर दिया है गाइस। तो गाइस अब हम क्या करते हैं, जल्दी से जाते हैं। मुझे अब लगता है हम लोग ने मॉन्स्टर ट्रक के साथ काफ़ी काम कर लिया ना अब, और उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है अभी। काफ़ी वो चीज़ है ना, वो मतलब छोटी सी चीज़ ला रहे हैं हम लोग। अभी अपनी यूटीवी का यूज़ कर लेते हैं। मैंने यूटीवी यहीं कहीं पार्क की थी। चलो गाइस वो रही हम लोग की यूटीवी, इसके अंदर हल्की सी लॉग ही पड़ी हुई है। देखो ऐसी जगहों पे पड़े होते हैं मेरे सारे यूज़फुल वाले सामान, बताओ। वहाँ पे एक हिरन मरा पड़ा है, हल्का सा पैसों की ज़रूरत होगी ना। चलो हम लोग जल्दी से यहाँ पे चलते हैं अपनी यूटीवी के अंदर। यार काफ़ी पुरानी सी राइड लग रही है ना, बहुत पुराना टाइम लग रहा है ये। मतलब एक ज़माना था जब है ना हम लोग ये लेके आए थे, हम लोग मेटल इसी यूटीवी के अंदर सारा का सारा अपने चिकन कुक के लिए ना पहली बार लाया था मैं मेटल। मैं कंफ्यूज हो गया था यार, वो कह रहे थे आयरन ऐसा कुछ लिखा हुआ था उसके अंदर। मुझे लग रहा था ये मेटल की शीट ही लगेंगी ना, क्योंकि गेम मेटल शीट बोलता है और वहाँ पे कुछ और बोलता है वो हल्का सा। तो यार मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे डर लग रहा था वर्क तो कर जाएगा ना। मैं सोच रहा अरे प्लीज़ कर गया था, बहुत हैप्पीनेस फील हुई थी तब। यार काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी पुराने टाइम जैसा चल रहा है अभी गेम प्ले। हम लोग की बारिश यार काफ़ी तेज़ नहीं आ रही, और मैं बोल रहा था वो घटा छा गई थी ना उसके बाद तो निश्चित थी ये हम लोग की पूरी बारिश ना। इस गेम के अंदर बहुत हैवी बारिश होती है यहाँ पे गेम के अंदर। वैसे तुम लोगों को क्या लगता है, अच्छा लगे ना अगर इस गेम के अंदर रिवर्स ऐड हो जाए? अरे गाइस इस गेम के अंदर फिशिंग ऐड हो सकती है। हम लोग एक नया बिजनेस कारोबार खोल लेंगे, मतलब बोट, तुम ऐसे करके बोट्स भेज सकते हो अपनी, वहाँ पे जाके तुम उठा के ला दो अपना सामान। हम लोग यहाँ पे अपनी यूटीवी को ले आए। अब चलो जल्दी से हम लोग अपना सारा मेटल खरीद लेते हैं। आई थिंक मुझे 3 लेने हैं 50-50 के, उससे 150 हो जाएगा और कुछ बच भी जाएगा वो बाद में यूज़ के लिए, मतलब यू नो हमेशा यूज़फुल रहता है। 1500 का हम लोगों के पास अभी काफ़ी पैसे हैं, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ना 30,000 हैं। वो हमने रफ्तार बेचा था ना अभी। हम लोगों ने जल्दी से अपना सारा मेटल खरीद लिया। अब हम लोग को अपना वो लेना है पेंट कैंस। हम लोग जल्दी से मैं ये व्हाइट वाली ले लेता हूँ, क्योंकि हम लोग को सारे के सारे पेंट करने हैं ना। आई थिंक हम लोग को ये वाली चाहिए D9। इसको लूट कर लेते हैं। कलर अगर तुम लोग को यूज़ करना है ये है इसकी सारी वैल्यूज़। चलो जल्दी से हम लोग ले लेते हैं इसको। आई थिंक मुझे इसकी 5 कैंस लेनी चाहिए, 5 के अंदर हो जाएगा हम लोग का सारा सामान। तो गाइस जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैंने सारी की सारी अपनी पेंट कैंस खरीद ली। काफ़ी पेंट हुआ है इसके अंदर। तुम लोग मुझे तो अभी अपनी नाक के अंदर स्मेल आ रही है पूरी पेंट की। हम लोग का यहाँ पे मेटल पड़ा हुआ है, हम लोग इसके अंदर सारा सामान अपना लोड कर लेंगे। पहले तो हम लोग क्या करते हैं अपने सारे मेटल को एक कोने के अंदर पटक देते हैं, क्या करते हैं ना वो ज़्यादा बाद में आके स्पेस ऑक्यूपाई ना करें ना, एक ही कोने के अंदर स्टैक करके रख देंगे हम लोग। ये रहा पहला वाला। अब हम लोग को दूसरा वाला चाहिए अपना, इसके ऊपर स्टैक हो जाएगा ना, 3 स्टैक हो सकते हैं क्या? और ये दूसरा स्टैक। अब प्लीज़ यार तीसरा हो जाए तो मज़े ही आ जाएंगे, और इसके ऊपर एक पेंट कैन भी रख पाऊँ सोचो। हाँ परफेक्ट यार, हम लोग का काम हो गया इसके अंदर। अब एक पेंट, अरे यार मज़ा ही आ गया आज तो। ऐसे करके हम लोग का यार कितना आराम से हो जाएगा सारा काम। हम लोग जल्दी से लेके आते हैं। ये यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे लगता है किसी को इनो नहीं मिली टाइम में। चलो हम लोग इसको जल्दी से लेते हैं। और यहाँ पे अरे बाप रे कितना कंक्रीट रखा हुआ है लोगों ने, यहाँ से खरीदते हैं तो हम लोग। यार इन लोगों के पास हार्डवेयर स्टोर वालों के पास अच्छा खासा स्टॉक है यार, तभी मैं सोच रहा हूँ इतना सारा लाते कहाँ से हैं। ये यहीं पे तो रखा हुआ है। मैं तो होता है भाई यार यहाँ पे कोई प्रोडक्ट करने के लिए नहीं है, एक दो बोरियाँ उन लोगों को नोटिस नहीं करेंगे ना, है ना, मिसिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम लोग इसको लेते हैं। यहाँ पे एक लग्जरी टेबल सा भी रखा हुआ है, इसके अंदर मेजरमेंट है। हम लोगों के वाले से अच्छा क्यों है ये, अरे तो पता नहीं क्या है, ये फ्रीजर होगा पता नहीं। और अरे छोटा सा कूप तक रखा हुआ है, ये तो नहीं बेचते ये लोग, पता नहीं क्या चोर है, शायद वो अभी अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट। छोड़ो यार अभी मैं लोडिंग कर रहा हूँ। देखो हरकत दे रहा है, वो खेल के आ गया वो यहाँ पे। और यहाँ पे तो ऐसे ही 3 रख गए मजे में के अंदर। हम लोग नीचे 2 रख देंगे और हम लोगों का पूरा पेंट का तो हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन कभी कभी नोटिस करता हूँ क्या क्या सामान रखो है, कूलर्स रखो है, वाटर कंटेनर्स रखो है, बाद में जाके आई थिंक यार गाइस ये सब कुछ कॉन्टेंट टाइप जाएगा गेम के अंदर। और वो ज़्यादा नहीं घूम रही है, हरकतें नहीं दे रहे भैया आप। अभी मैं इसको लोड कर लेता हूँ, अगर बाहर मेरी रिटर्न राइड के अंदर वो वहाँ पे खड़ा हुआ होगा ना तो हम लोग शूट डाउन कर देंगे। मैं भी एक चांस देता हूँ, मतलब जैसे गेम्स तो मैं देते हैं ना वीडियो गेमिंग के अंदर। ओके जल्दी से हम लोग ले आए हैं इसको, और देखते हैं यहाँ पे प्लेस करते हैं हम लोग आखिरी वाले पेंट कैन को। हम लोग का सारा काम तो हो गया गाइस, और वो हिरन भाग गया आई थिंक। चलो स्मार्ट है वो वाला हिरन यार, कर लिया वो सही टाइम के अंदर। चलो अब हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने यार काफ़ी अच्छी लोडिंग की है ना, देख सकते हो तुम लोग, एक ही कॉर्नर के अंदर कर लिए। मैं अभी मूड होता हूँ, मैं और ला सकता हूँ। अरे दोस्त को भर के ले आया यार, जैसे ही मैं निकला देखो क्या हरकत है। मुझे लग रहा है उन लोगों को भी प्लैंक्स की ज़रूरत है, वो अपने लिए शायद वो फूड ट्रक और ग्रैनरी का कॉम्बो बना रहे हैं वो, ताकि उन लोगों को फ्री का खाना मिलते रहे कुछ टाइम के लिए। चलो हम लोग अब जल्दी से अपने घर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आज काफ़ी फॉगी हो गया है ना वेदर, आज मेरे एरिया के अंदर भी, रियल के अंदर भी ऐसे ही हो रहा है, मतलब फॉगी सा हो गया एकदम।
काफ़ी काफ़ी ठंडक लग रही है, मतलब बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है मेरे यहाँ तो। काफ़ी अच्छा लग रहा है लेकिन इस गेम के अंदर। लेकिन हम लोग की रेंज हल्की सी वो नहीं लग रही, हॉरर की पिक्चर देखो, दूर तक बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, बस पेड़ों की स्टेम्स दिख रही हैं, पता नहीं क्या निकल के आ जाए। मेरे यहाँ पे तो बस हिरन घूमते हैं, चलो एटलीस्ट ये तो अच्छी बात है, ज़्यादा खतरनाक वाले जानवर नहीं घूमते यहाँ पे मेरे कॉर्नर पे। लेकिन फिर भी यार ये देखो ये आ गया, मुझे ठोकना ही है, देखने आ गया बस, और वो अंदर घुस गया, वो उसने अब गलती कर दी। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, व्हाट इज दिस, एक चांस दूंगा, भागोगे करके नहीं भाग रहे हो, अच्छा गलत चॉइस, अगर नहीं भागता मैं तुम्हें नहीं मारता, ठीक है ना। अबे साले मैं भी इतना पागल बनाता हूँ इन हिरनों को। चलो हम लोग जल्दी से यहाँ पे आ चुके हैं गाइस, अरे वहाँ पे हॉट चल रहे हैं एकदम जोरों के। चलो हम लोग यहाँ पे, अरे बाप रे, अब मुझे हल्के से ड्राइविंग कर लेनी चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे लाके मैं प्लेस कर देता हूँ, वहाँ पे आड़ सी जाती है ना गाड़ी, हम लोग को अपने इनको पहले नहीं उठा सकता मैं, सारी मिल्क अपनी सारी की सारी पेंट कैन को मैं नीचे रख देता हूँ, मैंने मिल्क कैन बोल लिया था ऐसे, मिल्क को पेंट पता चला ही मिल्क को है ना डाल दे इसके ऊपर, कैसी बात हो जाती, बाप रे। चलो अच्छा, वैसे रंग पूरा उठा जाता बहुत गंदा वाला हूँ। अब यहाँ पे हम लोग को सारा इंसर्ट कर देना है अपना, अरे सनलाइट आ रही हुई है, आई थिंक शाम वाली सनलाइट है, आज हम लोग को पूरा शाम के अंदर काम हो गया यार, दो दिन स्पेंड कर दिया अपने पूरे के पूरे गेम के अंदर। बताओ यार गाइस, एक दिन आई थिंक है ना उत्ते का होता है एक घंटे का, तो मैंने कुछ एक दो घंटे स्पेंड कर लिए अभी गेम के अंदर रियल में तो। ओके जल्दी से हम लोग ये डाल देते हैं, अब हम लोग के आखिरी वाले के अंदर ही पूरा विंडमिल भी हो जाएगा गाइस, और हम लोग का नया बान पूरा रेडी हो जाएगा, फिर हम लोग पेंट लगा के हम लोग देखेंगे कितना प्यारा लग रहा है वो, पूरा बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही खतरनाक लगेगा। फिर हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे अपनी कार है ना गोड्स को ना, वो पागल हो जाएंगी, वहाँ से भागने लगेंगी। चलो ये हम लोग का सारा इंसर्ट हो चुका है, हम लोग अपने मेटल को इसी के साथ रख देते हैं, ये रहा हम लोग का नया विंडमिल फिलॉल ट्रोस, इसको फिलॉल बोल सब कुछ कर दो भाई, परफेक्ट। अब हम लोग का सारा काम हो चुका है यार गाइस, ये प्लैंक रास्ते के अंदर नहीं है ज़्यादा, इसको यहाँ पर रख देते हैं। अब चलो जल्दी से हम लोग को पेंट करना है सबको, हमारे पास अभी भी काफ़ी वर्क टू डू है गाइस, हम लोग को उन फैंसिस के पास अगर मेरे पास टाइम होगा ना मैं उनको भी कर दूंगा अभी तो, लेकिन इन्हीं को कर देते हैं हम लोग। ये लेते हैं हम लोग की पहली पेंट कैन, और जल्दी से मैं इस कॉर्नर से शुरू करता हूँ, जो सबसे ज़्यादा दिखता है ना उस चीज़ को पहले कर दूंगा मैं, ये 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 और ये, और यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये दोनों काइंड ऑफ सेम ही चीज़ें हैं ना, इन दोनों के दरवाजे को खोल देते हैं हम लोग, अभी कोई जानवर आ जा थोड़ी ना रहा है, मतलब यहाँ पे भाग जाएगा पता चला। हम लोग इस साइड से कंटिन्यू करते हैं, ये देखिए ना अभी हमारी साइड से जहाँ से आते हैं हम लोग, इसको कर देते हैं ये ये ये, आई थिंक इतने में ख़त्म नहीं हुआ यार, काफ़ी पेंट नहीं कर दिया एक ही ने, पूरी लड़ी बना दी है तो इसने यार, मज़ा आ रहा है इसके साथ तो, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। लेकिन पेंट होने के बाद हम लोग का फ्रेंड्स वाइट कलर बहुत ही प्यारा है इस गेम में, और देखो गेम ने नेचुरली भी वाइट कलर के फेंसेस दिए हैं हॉर्स के पैडक के लिए ना, इसके ऊपर से कूदते हैं, और वहाँ पे एक हिरन घूम रहा है, उसे अभी पता नहीं है उसके दोस्त के साथ क्या क्या हुआ है, कहाँ पे पड़ा हुआ है वो देखो, वो नहीं वो तो लकड़ी है, वो मुझे लग रहा था वो पड़ा हुआ है हिरन, वो लकड़ियाँ को यार हिरन के साथ मिस्टेक करो मैं भी क्या बंदा हूँ। चलो हम लोग का ये हो गया, अब हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है, बान के ऊपर पेंट हो सकता है क्या, नहीं अवेलेबल तक नहीं है ऑप्शन, चलो कोई बात नहीं, बाद में जाके आई थिंक कस्टम बान्स भी ऐड हो जाएंगे हम लोग, वो भी बनाएंगे काफ़ी प्यारे लगेंगे ना। चलो हम लोग इसको कर लेते हैं पूरा कंटिन्यू, और यहाँ पे बस एक डर नहीं है मुझे, ये बात बहुत प्यारी है, जैसे हम लोग के बच्चे अटक रहे थे ना यार उसके अंदर अटक जा रहे थे, मुझे डर लग रहा था ये क्या हो गया फंस गया बच्चा, और वो यार गुड्डू यार हम लोग का बेचारा मर गया इस चक्कर के अंदर, तो वो हम लोग का ये फिर इस बार फिर से नहीं होगा। चलो हम लोग के और फेंसेस तो हम लोग यहाँ के पूरे हो गए, हम लोग को यहाँ के पूरे करने होंगे, ये इतना बड़ा ये पूरा एरिया वो करने होंगे हम लोग को। हम लोग पहले बस यहाँ पे हम लोग यहीं से कर देते हैं सारा काम, यहाँ से कूद सकता हूँ क्या मैं, वहाँ से कूद के आ जाता हूँ मैं जल्दी से, क्या करता हूँ ना इसके अंदर ज़्यादा बचे नहीं है, कैसे कूदा है हम लोग का करेक्टर देखा है तो हम लोगों ने कैसे बेंड किया है, ये जिमनास्टिक वो वाला बंदा लगता है ये यार। ये हिरन अब ज़्यादा हरकत नहीं दे रहा, देखो ट्रक के सामने आ गया वो, अब मेरी है ना स्पीड देखो, अरे बाप रे दो हेडशॉट खोली और स्क्रीन को देख रहा है, ज़्यादा खतरनाक नहीं है, अब तो मानना पड़ा है ये मूवी का सीन लग रहा है भाई, गन उसके अंदर डाल दूंगा और उसके थ्रू निकल, अरे बाप रे कौन सा सिग्मा मेल है ये, तेरा बाप हूं, बाप रे यार तीन शॉट से मरा ही हिरन तो खतरनाक था ये तो यार, उससे यार पंगे नहीं लेने थे मुझे, वो भी चाहता भी मुझे उड़ा देता ये जैसे कार उड़ती है ना आप लोगों की। चलो हम लोग जल्दी से अपनी पेंट कैन लेके आते हैं और पूरा का पूरा पेंट करते हैं, मैं भी इस घर को पेंट नहीं करूंगा क्योंकि आई थिंक ऐसे कलर में अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, अब अभी हम लोगों को इसके जैसे बन जाएंगे, ये बहुत ही प्यारा है ना ये कलर, तुम लोगों को क्या लगता है। चलो हम लोग जल्दी से पेंट करना शुरू करते हैं, बकरियां सोच रही हूँ ये क्या कर रहा है अजीब सा, अभी तो है ना गुड्डा को लेके गया था और बोल रहा था हमारे बांध के ऊपर है, हम लोग इसके भी है ना बाद में जाके यूजेस निकाल लेंगे ना,
हम लोग इसको पूरा पेंट कर लेते हैं, हम पहले से ही ना अच्छा लगे, ये काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, इसको कभी डिमोलिश नहीं करूँगा मैं, मतलब अच्छी लग रही है ना, काफ़ी अच्छी खासी बिल्डिंग है इन लोगों के पास, एक ऐसी बिल्डिंग क्योंकि बना नहीं सकते हम अभी गेम के अंदर, हमारा कैरेक्टर इतना एडवांस नहीं है। ग्रैंडपा आर्किटेक्चर बहुत अच्छा करते थे, खतरनाक वाला, देख रहे हो कितना प्यारा घर होने वाला था, जो भी था ये पता नहीं छोटा सा बार्न था, अलग ही चीज़ हो रखी है वो तो। हम लोग जल्दी से पेंट कैन लेके आते हैं यार, होपफुली मेरा काम इतने में हो जाए, काफ़ी ज़्यादा नहीं लग रहे हम लोगों के पेंट कैंस, कितने बचे हैं मेरे पास एक्चुअली, आई थिंक दो बचे हैं ना। हाँ यार जल्दी जल्दी करना पड़ेगा मुझे अपना काम, और रात भी होने वाली है, आज हम लोगों का पूरा काम होने वाला है यार, मैं जल्दी से बस मैं ट्रांसफ़र और कर दूंगा और फिर हम लोग यार चले जाएंगे सोने, आज भी काफ़ी रात हो गई है हम लोगों को, रात के अंदर मूव कर लेंगे, किसी और जानवर को पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया, रात तो रात पता नहीं जो है ना ये गायब हो गई और वहाँ पे अपीयर हो गई वापस, अजीब नहीं लगा है ना, ये भैंसे देखती रह जाएंगी बस ये क्या हो गया ये। चलो ये यहाँ से हम लोग कर देते हैं कंप्लीट, ही इसको कनेक्ट हो पाएगा कि इससे, हाँ यार भाई हम लोग का कनेक्ट हो गया। मैं वैसे जानवरों को पेंट कर सकता हूँ क्या, इस वाली को सफ़ेद बना सकता हूँ क्या भाई, और ईटो मैंने नहीं यार रस्सी डाल दी, सोचो इसको पेंट कर पाते यार, मैं तो हर जानवर को पेंट कर देता, नीला पीला लाल सब कर देता, पूरा आरजीबी बना देता मैं ये। चलो आई थिंक यार हम लोग के फेंसेस पूरे हो चुके हैं ना गाइस, हाँ यार हम लोग का सारा फेंसेस का काम हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है तो। ओके गाइस अब आज का हमारा हार्डेस्ट टास्क और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क अब हमारे है ना बिल्कुल सर के ऊपर चढ़ा हुआ है, हम लोग को जल्दी से अपनी बकरियों को यार यहाँ पे लाना है जल्दी से बिल्कुल, और मुझे सारे पहले तो तुम लोग हट जाओ यार, मुझे खुद बाहर निकलने दो, एक तो मैं इसको पेंट क्यों करने जा रहा हूँ, इसको रखूँगा, हाँ तो एक वेस्ट भी कर दिया इन लोगों ने मेरा, जल्दी बंद करो, हाँ नहीं तो बच्चा निकल रहा है यार, हरकतें कितनी देते हैं हमारे जानवर। अब मुझे जल्दी से यार हल्के मुझे अलग अलग करके जल्दी से ले जाने अपने सारे के सारे जानवर नहीं वैसे तो गोट है, जानवर ही है लेकिन यू नो गोट और वो सही नेम लगता है। सबसे पहले गुड़िया को लेके जाते हैं, गुड्डा को दिखा दिया पहले, और गुड़िया ये पहली इनहेबिटेंट है क्योंकि सबसे आप पैसे देती है ना। चलो भाई गुड़िया जल्दी से आओ, और हम लोग को वहाँ के भी सारे दरवाजे सब कुछ है ना चेक करके बंद करने होंगे, ये कितने स्लो आ रही है ना, ये इनकी स्पीड अच्छी नहीं है, वो ये जो गाय है ना इस गेम में ऐसे भागते आते हैं धन धन धन, हाँ उनके साथ मजा आता है, बहुत जल्दी ट्रैवलिंग हुई थी याद है, हम लोग अपने पहले पेयर लाए थे है ना अपनी काउस के, हम लोग एक मॉर्निंग वॉक के ऊपर गए थे अच्छी सी, और देखो ये क्या हरकत है, ये देखो ये कैसे बाहर निकली है, ये क्या हरकत है यार इस गेम के साथ, ये पता नहीं कैसे इसको स्मगल आउट करवा दिया इसको, यार जल्दी से बाहर ले जाऊँ अंदर ले आऊँगा मैं, पहले तो इसको ले आते हैं हम लोग, पहले इसी का काम हो जाए उन लोगों का, फिर हम लोग इसे ना छोटे से बच्चे को भी ले आएंगे, बच्चे यार बाहर अलाउड नहीं होने चाहिए, मतलब बच्चे तो दिखते भी नहीं है ना यार, ये खो जाते हैं गंदे वाले एकदम, हम लोग इनकी फेंस डोर को बंद कर देते हैं, और पहले तो गुड़िया को छूँ मैं जल्दी से, अभी सारी की सारी डोर्स को चेक करके आ रहा हूँ यार गाइस, में सारे एस्केप प्लांट्स रूट्स सब बंद कर दे रहा हूँ मैं, हटो भाई हटो, और ट्रक को धक्का दे दिया मैंने, सॉरी भाई ट्रक तुम्हें कोई है ना टेंशन तो नहीं है इस बात में, हम लोग इस वाली डोर को है ना बंद कर देते हैं, और आई थिंक अब सारा का सारा हो चुका है, वो वाली बार्न डोर तो मेरी क्लोज है ना, वो वाली वहाँ पे फेंस है नहीं कनेक्टेड, एक बार चेक करते हैं, हाँ वो क्लोज है। ओके आई थिंक सब कुछ हम लोग एस्केप प्लान बंद कर दिया, अब और गोट्स लेके आनी है हम लोगों को। A few moments later. तो गाइस ये अब हम लोगों का फाइनल बच्चा ही, ये बेचारा इसको डर लग रहा था ये छूट जाएगा, याद है हम लोगों ने चूजे को भी ऐसे ही छोड़ा था, हमें पता नहीं आखिरी में हमेशा बच्चों को ले जाता हूँ, ये पता नहीं हल्के से डर से जाते हैं, हम लोग इसको ले आए, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है ना इसको, यहाँ पे इसका नया घर है, अच्छा एक सेकंड में जैसे इसको ला लूँ, ये घटा क्यों छा रही है, कुछ बुरी तो चीज़ नहीं है, पता नहीं क्या हुआ, भूत चढ़ा हुआ है इस वाली बकरी के अंदर, ये भी उड़ना शुरू हो जाएगी वो, और जल्दी से इसको अंदर ले आए हम लोग, इन लोगों का दरवाज़ा हल्का सा ऐसा लगता है ना हमेशा खुला हुआ है वो, जबकि खुला हुआ है नहीं, वो कम्प्लीटली सेफ है, इसके थ्रू मैं तक नहीं निकल सकता। चलो भाई अरे तुम कहाँ भाग रही हो भाई, ये क्या हरकत है, चलो भाई चलो मम्मी, अरे बाप रे खुद भाग के जा रही है वो तो मम्मी के पास, वो भाग गई अंदर, वो आवाज़ तक निकाल ली उसने अपनी। तो गाइस अब हम लोग की सारी बकरियाँ यहाँ पे आ गई है, सारे कितने हैप्पी लग रहे हैं ना, अब हम लोग के जानवर वो रही गुड्डू गुड सारे यहाँ पे आ चुके हैं, अंदर कौन घूम रहा है, अंदर वो घूम रहा है हम लोग का गुड्डा, काफ़ी अच्छी लग रही है ना हम लोग की बकरी फैमिली। अब तुम लोग को क्या लगता है कैसे हम लोग अगली बार क्या करें, तुम लोग को है ना कमेंट करना, और चलो अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, गुड बाय।